लेट्स बिगिन। चलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन योर AIS SM। स्पेशली AIS वी हैव कंप्लीटेड रिसेंटली, सो अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बारी है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन कमिंग अटेम्प्ट्स इन AIS SM कोर्स स्पेशली। और आगे भी जब सिलेबस चेंज की बात हो रही है तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज इन एनी फॉर्म गोइंग टू कंटिन्यू इन CA इंटरमीडिएट एज वेल एज इन CA फाइनल। सो फाइनल्स में भी आपके लिए एक नया पेपर आ रहा है, इसी का एक्सटेंशन आ रहा है, एडवांस्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आ रहा है जिसका नाम होगा IBS इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस। उसमें 80% स्ट्रेटजी होगी, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की स्ट्रेटजी होगी, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट उसके कॉन्सेप्ट्स होंगे एंड बाकी 20% में कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा होंगे। सो दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस पेपर। सो ये पेपर आपको बहुत अच्छे से करना है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से इन डेप्थ पढ़ना है, इंटर के रिजल्ट्स को भी इम्पैक्ट करता है और फाइनल में तो ये पूरा का पूरा पेपर जब तक आप फाइनल में जाओगे आ चुका होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस पेपर के बारे में, इस पेपर में बदलते ट्रेंड के बीच में हम ये आज शुरू कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट को क्लास शुरू कर रहे हैं। लगातार पिछले 3-4 अटेम्प्ट से मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, ICAI लगातार इसके अंदर जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो इम्प्रोवाइज कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली ICAI चेंजिंग इट्स क्वेश्चन पैटर्न। स्पेशली दे आर आस्किंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दे स्टार्टेड विद प्रैक्टिकल, नाउ दे आर आस्किंग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो इनफैक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिखना इज नॉट अ बिग डील, देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखना इज वॉज नॉट ऑल्सो अ बिग डील, बट अगेन वेन इट कम्स टू एप्लीकेशन इट कन्फ्यूजेज अस। तो एट दैट टाइम दैट वेन ICAI इज ट्राइंग टू कन्फ्यूज द ऑडियंस, वी आर गोइंग टू डील दिस पेपर विद अ डिफरेंट डायमेंशन, विद अ डिफरेंट एटीट्यूड एंड डिफरेंट अप्रोच, एंड दैट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर सेशन। सो अगले 20-25 सेशंस के अंदर, 24 या 25 सेशन जो भी अपन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में लगाने वाले हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस लॉट ऑफ केस स्टडी, लॉट ऑफ प्रैक्टिकल सिनेरियोज विद द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। इसके अंदर हम कवरेज कैसे करेंगे सब डिटेल में बताऊंगा। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट 50 मार्क्स का पेपर है, 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, MCQs आते हैं, 15 मार्क्स के आपको डील करने होते हैं। क्यों वो MCQs कभी कभी टिपिकल लगते हैं, क्यों ऐसा लगता है कि नहीं आंसर मैं सही दे रहा हूँ, जब मैं फाइनली अपना रिजल्ट देखता हूँ तो उसमें मार्क्स शायद थोड़े कम दिखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे छोटे ऐसे थिन लाइन डिफरेंसेस होते हैं, वो शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा हमें धोखा दे जाते हैं, डिसीव करते हैं, इंस्टीट्यूट भी कन्फ्यूज करता है और उसकी वजह से हम कई बार अपने मार्क्स लूज करते हैं। इन सब चीज़ों को कवर करूंगा इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इन अ न्यू टेम्पो विद अ चेंजिंग यू नो स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन। सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन एंड लेट्स बिगिन विद द पेपर। यस, जैसा सारे बच्चे जानते हैं, सारे बच्चों ने स्टडी मैट देखा है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का स्टडी मैट, ICAI का स्टडी मैट ओपन करके आपने देखा ही होगा। एक बार जरा कंफर्म कीजिए, जो जो ऐप पे लाइव है पहले आप बताइए, फिर सेंटर से भी मैं पूछता हूं। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का स्टडी मैट आपने थोड़ा ओपन करके देखा है, समझने की कोशिश करिए क्या है इसके अंदर, एक आध चैप्टर थोड़े से पलटे, देखा है कितने चैप्टर है, देखा है कितने पेजेज है, कितना मोटा है, मतलब कुछ भी बताओ थोड़ा सा। चिराग आपने देखा है, नहीं देखा तो बोलो ना, नहीं, नो सर आई हैव नॉट सीन इट, आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन इट। यस सर देखा है, कोई एक 270 के आसपास, 272 पेजेज का ये अपना स्टडी मैट है। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट ने 40 के आसपास, 40 के आसपास केस स्टडीज दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। कुछ तो उन्होंने बुकलेट बना के दिया जो लगभग लगभग 30+ का है, कुछ उन्होंने RTP MTP सजेस्टेड इधर उधर करके बहुत सारे और भी केस स्टडीज दिए, टोटल मिला के 40 के आसपास का केस स्टडी है। MCQ है लगभग लगभग 150 के आसपास जो इंस्टीट्यूट ने हमसे शेयर किया, और बाकी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, यस थोड़ा देखा है, थैंक यू चिराग, थैंक यू। तो इस तरह से हमारे साथ शेयर किया, कुल मिला के मैं अगर मोटे मोटे तौर पे बात करूँ तो एक 500 पेज का लिटरेचर है, जो बहुत ही छोटा लिटरेचर है, वी कैन ईजिली कवर इन 24-25 लेक्चर्स इन ग्रेटर डिटेल विद लॉट ऑफ प्रैक्टिकल डिस्कशन, राइट। तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू कवर दिस पेपर, 50 मार्क्स का पेपर है, 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों ने मोटे मोटे तौर पे देखा होगा, खास करके इस अटेम्प्ट के अंदर, पिछले कुछ अटेम्प्ट के अंदर मैं अगर क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूं, यहीं से शुरुआत करते हैं। EIS के क्वेश्चन रिलेटिवली स्ट्रेटर आते हैं, स्मार्ट आते हैं, बट स्ट्रेट आते हैं। अभी अभी नया ट्रेंड आया है कि उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल
इम्प्लीमेंटेशन के साथ कुछ प्री कंडीशन के साथ EIS के क्वेश्चन पूछने इंस्टीट्यूट ने शुरू किए हैं, जो अच्छा ट्रेंड है। बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पहला ही क्वेश्चन एक केस बेस्ड क्वेश्चन होता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है और काफ़ी क्रिएटिव होता है। हर अटेम्प्ट में मैं देख रहा हूँ लोगों को थोड़ा ना थोड़ा कन्फ्यूज़ करता है ये, राइट। एक क्वेश्चन ये है, आप देख सकते हो, ये भी प्रैक्टिकल था। फिर दूसरा, तीसरा, लगभग 2-7A वो भी थोड़ा प्रैक्टिकल था। 8 का A and B वो भी थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड था और बाकी स्ट्रेट क्वेश्चंस थे। तो मोटे मोटे तौर पे अपने आउट ऑफ 60 मार्क्स और फिर MCQs कुछ प्रैक्टिकल नेचर के आते हैं। मैं एकदम एग्जाम फोकस्ड होकर आपसे बात कर रहा हूँ, नो राइट नो लेफ्ट, ओनली यू नो सेंटर में बात करूँगा। सो एग्ज़ाम के हिसाब से अगर मैं ठीक ठीक एनालाइज करता हूँ तो ये पेपर मेरे लिए एक ऐसा पेपर है जहाँ मेरे को ज़्यादा केयर के साथ इसको पढ़ना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, दिस इज नॉट लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और दिस इज नॉट लाइक BST, मतलब वो जो एक जनरल स्लोगन है ना हमारे दिमाग में बैठा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लड्डू था, लड्डू है, लड्डू रहेगा, वो मैंने एक वीडियो में भी बोला था क्योंकि मैंने कहीं सुना था, किसी को कहते हुए सुना था, तो आई थॉट कि लेट्स चेंज दिस यू नो स्लोगन। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यस, ये पेपर लड्डू है, बट तब है जब आप इसके थिन लाइन डिफरेंसेस को समझते हो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज फॉलोड बाय एंड अडॉप्टेड बाय द टॉप मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। से रतन टाटा है, मार्क जकरबर्ग है, बिल गेट्स है, मुकेश अंबानी है, अडानीज है और फिर तमाम ग्रुप हैं और ग्रुप के CEO, CMD और टॉप मैनेजमेंट पे बैठे हुए लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। जब वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके लिए कोई टूल नहीं है, इसके लिए है क्या, इसके लिए इंसान का स्ट्रेटेजिक ब्रेन है, थिंकिंग है, उसके पीछे उसका दिमाग है और कहीं ना कहीं इसके अंदर हम बहुत सारा ब्रेन अप्लाई करने वाले इस पेपर के अंदर, रादर देन कुछ मगअप करने वाले, काफ़ी कुछ एनालिसिस करने वाले। छोटी सी प्री कंडीशन, आपसे एक छोटी सी बात करूंगा, देन आई विल स्टार्ट। मैं बच्चों से थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप में से काफ़ी लोगों ने बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ रखा है? डू यू नो अबाउट बिजनेस एनवायरमेंट अ लिटिल बिट? क्या आपने CA फाउंडेशन में BCK कर रखा है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का पेपर पढ़ रखा है? छोटी सी बात और आपको अपडेट कर देता हूँ, BCK का पेपर था CA फाउंडेशन में और CA इंटरमीडिएट में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का आपका जो स्टडी मैट है, दोनों मैट लिखने वाला बंदा आपको ये पेपर पढ़ाने जा रहा है। तो रेस्ट अश्योर्ड कि वी आर गोइंग टू यू नो कवर द स्टडी मैट इन ग्रेटर डिटेल। BCK भी आपका मैंने लिखा था और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मॉड्यूल भी मैंने लिखा था। अब मैं BCK की बात क्यों कर रहा हूँ जब मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ, उसका एक बहुत ही सिंपल है, उसमें ना एक चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था आपने और एक चैप्टर नंबर 3 पढ़ा है। स्टडी क्या था या इसको रट लिया था, चैप्टर नंबर 2 में तुमने बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ा था और यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ा था इन चैप्टर नंबर 3। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पेपर के कुछ प्री कंडीशंस हैं। जब भी हम कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं या स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की बात करते हैं, एज अ स्ट्रेटजिस्ट, एज अ टॉप मैनेजमेंट गाय, पहले तो हमें सबसे पहले तो एक चीज़ सीखनी है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमें सोचना ही है टॉप मैनेजमेंट के बंदे की तरह, हमें CFO की तरह सोचना है, हमें CEO की तरह सोचना है, मतलब अपना दिमाग जो है ना टॉप पे होना चाहिए, एकदम मस्त वाला, एकदम टॉप पे होना चाहिए, विदाउट एनी डाउट यू हैव टू थिंक लाइक अ टॉप मैनेजमेंट गाय। ऐसे समझो हमेशा 24 घंटे जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, हमेशा ऐसा सोचो कि मैं अपनी CEO, अपनी गॉड है साला, कोई नहीं अपने आगे पीछे, राइट। उस एटीट्यूड से अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हर बात को एनालाइज करोगे तो आप सही कंक्लूजन पे पहुंचोगे, ऐसी मैं मानता हूं और ये मेरी गारंटी भी है। ज़्यादातर लोग से गलती क्या होती है, मैं डूज एंड डोंट्स दोनों डिस्कस करूंगा। हम ना मैनेजर की तरह सोचते हैं और जब मैनेजर की तरह सोचते हैं तो डे टू डे बिजनेस के बारे में सोचना शुरू करते हो, जब डे टू डे बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं। मैनेजमेंट इज नॉट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज एन एडवांस लेवल मैनेजमेंट अडॉप्टेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। हमें हमेशा CEO की तरह सोचना है, ओनर की तरह सोचना है, स्ट्रेटेजिकली सोचना है, स्ट्रेटजिस्ट की तरह सोचना है, CFO या ग्रुप CMD की तरह सोचना है, देन हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। और नेक्स्ट बात जो अब आपको समझनी है, जब हम बिजनेस एनवायरमेंट को के बारे में जानना चाहते या इसके बारे में सोचते हैं, इसका कोई एलिमेंट हमारे सामने आता है, दिस इज इंटरनल एनवायरमेंट, दिस इज एक्सटर्नल एनवायरमेंट, दिस इज माइक्रो, दिस इज मैक्रो, छोटे छोटे टिप्स दे रहा हूँ सो दैट कि तुम्हारा दिमाग ग्रूम होगा। वो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को समझना चाहते हो तो पहले उससे मोहब्बत होनी चाहिए, पहले उसके वो नैक्स एंड हैक्स आपको पता होने चाहिए, कहाँ से इसको किस टूल से क्रैक करूँगा। दैट्स वाई आई एम मेंटरिंग दैट पार्ट एंड देन आई विल स्टार्ट विद द चैप्टर और सिलेबस। तो जब भी हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, जब भी हम एनवायरमेंट के किसी भी फैक्टर की बात करते हैं, जैसे माइक्रो हो, मैक्रो हो,
इंटरनल हो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो, स्पेशली कोई गवर्नमेंट है उसके टैक्स इम्पोज किया, कोई नई पॉलिसी लेके गवर्नमेंट आई, कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया, या कहीं पे इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है, या कस्टमर का बिहेवियर चेंज हो रहा है, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, इन्वायरमेंट बदल रहा है, तो दो तरीके होते हैं। एक तो ये जानना कि टेक्नोलॉजी बदल रही है तो मैं क्या करूँ, नहीं एक एटीट्यूड होता है ना, हाँ बदल रही है तो बदल रही है, अच्छी बात है, तो मैं क्या करूँ, मेरा क्या लेना देना। दूसरा एटीट्यूड होता है टेक्नोलॉजी बदल रही है, अरे क्या बदल रही है, क्यों बदल रही है, किस कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक सोचो कि तुम्हारे बिजनेस के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, अगर रिसेशन आया तो क्या इम्पैक्ट डालेगा, मंदी आई या बूस्ट या बूम साइकिल स्टार्ट हुआ इकोनॉमी के अंदर तो कैसे अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी है। यू हैव ऑलवेज टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरमेंट एंड थिंक स्ट्रेटेजिकली कि मैं इस सिचुएशन का फायदा कैसे उठा सकता हूं। से फॉर एग्जांपल आईसीआई ने पिछले 3-4 अटेम्प्ट के अंदर, आईसीआई आपका एनवायरमेंट है, डू यू अग्री विद दिस, आपका एनवायरमेंट है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आपकी वो बॉडी है जिसपे आपकी डिग्री और आपकी पढ़ाई और आपका सब कुछ डिपेंडेंट है। अगर इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ भी बदलता है उसका सीधा इंपैक्ट आपके ऊपर आता है। अब दो तरह के बच्चे होते हैं, क्वेश्चन पेपर बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है, हमें क्या, हमें तो जैसा बताया गया वैसा कर रहे हैं, हमने बैठ के कभी एनालिसिस नहीं किया कि बदलते ट्रेंड के हिसाब से हाउ टू चेंज आवरसेल्फ। हम तो वही 10 साल पुरानी टेक्निक से पढ़ाई किए जा रहे हैं, जबकि इंस्टीट्यूट तो बदल रहा है, इंस्टीट्यूट तो एप्लीकेशन प्रैक्टिकल की तरफ जा रहा है, और हम कहाँ पे बैठे, ठीक वही आज से 10 साल पहले जब हमारे टीचर ने पढ़ा था, जब उसने पास किया था, जब उसने डिग्री ली थी, उसने तो इसको रटा था, उसने तो इसके नोट्स बनाए थे, उसने तो इसको मगअप कर लिया था 15 पेज के नोट्स, और उसको तो बहुत अच्छे नंबर आए थे, उसे आए थे, नज़र बदले, नज़ारे बदले, इंस्टीट्यूट के इशारे बदले, इंस्टीट्यूट के इशारे बदले, टेक्नोलॉजी बदली, समय बदला, क्वेश्चन बदले, इंडस्ट्री बदली, इंडस्ट्री का प्रेशर बदला, गवर्नमेंट बदली, उसका इम्पैक्ट आया और आपके क्वेश्चन पे उसका इम्पैक्ट दिखने लगा। हमें उसको समझना पड़ेगा, इतनी लाइटली भी नहीं ले सकते, बट इतना मुश्किल भी नहीं मानते। दिस पेपर इज ईजी, इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग प्रोवाइडेड वी अंडरस्टैंड हाउ टू एनालाइज द सिचुएशन एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट सिचुएशन विद इन द इंडस्ट्री, नंबर वन। नंबर टू, BCK का चैप्टर नंबर 3 जहां मैंने आपको बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया है, बहुत सारे लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया कि बच्चों को क्यों बता रहे हैं कि वॉलमार्ट क्या करती है, किसने एस्टैब्लिश किया, इसका विजन क्या है, मिशन क्या है, इसके क्या प्रोडक्ट्स हैं, इस कितने फॉर्च्यून 500 कंपनीज में कौन सा प्लेस है, क्या इसका कैपिटल है, क्या इसकी परफॉर्मेंस है, क्या इसका टर्नओवर है, या कंपनी को क्या क्या अवार्ड्स मिले, क्या लेना देना, ये ब्रांड है, क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेस है। बेसिकली उस चैप्टर के थ्रू इंस्टीट्यूट आपको यह बताना चाहता था कि इस कंपनी की पोर्टफोलियो क्या है, सो दैट जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ोगे तो आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस करना आएगा। बात समझ में आ गई सबको? को यह बताने की कोशिश कर रहा था इंस्टीट्यूट कि यह बिजनेस एनवायरमेंट है, यह कंपनी है, इस एनवायरमेंट से इस कंपनी का क्या रिश्ता है। वो बात अलग है कि पढ़ाने और पढ़ने के लिए क्वेश्चन के हिसाब से हमने एमसीक्यू के हिसाब से रट्टे मार लिए, बट नाउ अब हम सब का इस्तेमाल करने वाले, उन सब को यूज करने वाले स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर। जिस बच्चे को बिजनेस एनवायरमेंट, जिस बच्चे ने सिर्फ, ध्यान से सुना आप जो कहने जा रहा हूँ, डेफिनेशन के हिसाब से, रट्टे के हिसाब से पढ़ रखा है, उसका उसके नहीं पता कि डेमोग्राफी बदलती है तो बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर उसे नहीं पता, किसी भी बच्चे को, मैं और हो भी सकता है क्योंकि हम BST में जब पढ़ते हैं 11th 12th में तो बड़ा स्ट्रेट पढ़ते है ना, और जब हम ही उस चीज़ को जा करके जब BCK में पढ़ते हैं, अगेन हम स्ट्रेट ही पढ़ते हैं, ज़्यादा एप्लीकेशन वगैरह का गुंजाइश है नहीं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते नहीं, सिंपल सिंपल MCQ आते हैं अपन, दे टिक 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 करके आगे निकलते हैं। बट अब नहीं चलेगा, अब क्या होगा, उसी इन्वायरमेंट का इम्प्लीमेंटेशन सीखना पड़ेगा कि अगर इकोनॉमिक पॉलिसी बदलती है तो बिजनेस पे कितना और किस लेवल पे इम्पैक्ट आता है। मैं ऑटोमोबाइल कंपनी हूँ, गवर्नमेंट अगर कोई ग्रीन लॉ लेके आती है, कोई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का लॉ लेके आती है, तो हमारे ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर, हमारे कॉस्ट के ऊपर, हमारी इनकम के ऊपर, हमारे वैल्यू क्रिएशन कैपेबिलिटी के ऊपर, हमारे मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। समझने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट दे रहा हूँ। आप सबको पता है ना हमारा ऐप है EISSM ऐप, कितने लोग जानते हैं EISSM ऐप, जहाँ कुछ बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और बाकी जो सेंटर के बच्चे हैं वो डाउनलोड कर लेंगे, सारे सेंटर्स के बच्चे डाउनलोड कर लेंगे प्लीज़, ठीक है। और उसके ना आप स्टडी मैट सेक्शन में जाएंगे, हमारे ऐप के स्टडी मैट सेक्शन में जाएंगे, वीडियो सेक्शन में जाएंगे, आपको दे रहा हूँ
आपको रेडी टू अब ऑब्वियसली हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है बिजनेस एनवायरमेंट, बट लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स कि हम इस पूरे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पेपर के अंदर बिजनेस एनवायरमेंट की ही एनालिसिस करके उसी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जिस बच्चे को बिजनेस एनवायरमेंट बहुत अच्छा समझ में आता है, उसका इंडस्ट्री एप्लीकेशन समझ में आता है, उसे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एज एन एडवांस्ड लेवल मैनेजमेंट समझ में आएगा और वो इस थिन लाइन डिफरेंस को एस्टैब्लिश कर पाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। 99% ऑफ द स्टूडेंट इन आर इंडस्ट्री इन ICAI स्टडी पैटर्न स्टडी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एज मैनेजमेंट पेपर, ओनली मैनेजमेंट पेपर, वेर एज दिस इज नॉट अ मैनेजमेंट पेपर, दिस इज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट पेपर। यहाँ थोड़ा थिन लाइन डिफरेंस है, वो हम समझेंगे। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिजनेस एनवायरमेंट पार्ट वन एंड पार्ट टू। आप समय निकाल के, आई रिक्वेस्ट यू कि अगले 2-3 दिन के अंदर थोड़ा थोड़ा समय निकाल के सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट, स्पेशली मैक्रो एनवायरमेंट का इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट आप वीडियो देखेंगे। कुल मिला के 5 एंड हाफ आवर की वीडियो है, आपके काम की 2.5 से 3 घंटे की वीडियो होगी। आई रिक्वेस्ट 1.5 पे डाल के सिर्फ सुनना है, नोट्स नहीं बनाने, ताकि आपको यह समझ में आ जाए त्रिवेदी कहना क्या चाहता है कि अगर डेमोग्राफी बदलती है तो बिजनेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटी और क्या थ्रेट क्रिएट होते हैं और बिजनेस के कौन से, ठीक है, बिजनेस के कौन से ऐसे, एक सेकंड बॉस, सॉरी एक सेकंड, सॉरी सॉरी बिजनेस के कौन से, मैं बात कर रहा था आपसे डेमोग्राफी के बारे में, बिजनेस के कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां की डेमोग्राफी का सीधा सीधा इंपैक्ट है। तो ये दोनों लेक्चर आप रेफर करोगे और इसके बाद आपको स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट बहुत अच्छी समझ में आएगी। लेकिन जब तक आप इसको कवर नहीं करते इसका मतलब ये नहीं समझ में नहीं आएगा, सारी बातें समझ में आएंगी। बट आगे के चैप्टर्स में जब हम बात करेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस की, जब बात करेंगे इंडस्ट्री एनालिसिस की, जब बात करेंगे कंपटीशन एनालिसिस की, जब बात करेंगे हम BCG मैट्रिक्स की, कुछ बच्चों ने सिलेबस थोड़ा देखा होगा, जब हम बात करेंगे आगे चल करके बहुत सारे कॉरपोरेट स्ट्रैटजीज की, बिजनेस लेवल स्ट्रैटजी की, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटजी की, तो बार बार इन्वायरमेंट के फैक्टर बीच में अपने टांग फंसाएंगे और तब आपके पास ये वक्त नहीं होगा ये समझने का कि यार ये इन्वायरमेंटल फैक्टर का अब क्या करूं। अगर वो चीज पहले से तुम्हारे दिमाग में है कि ये इन्वायरमेंट ये करता है और उसका बिजनेस के ऊपर ये स्ट्रेटजिक इंपैक्ट है, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आई होप बहुत सारे बच्चे मेरे से एग्री करेंगे। देखो रेशियो एनालिसिस सभी पढ़ते हैं, राइट, पढ़ते हैं ना, जरा बोलिए एक बार यस और नो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर रेशियो एनालिसिस सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको रेशियो को अप्लाई करना आता है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? मैं सारे सब्जेक्ट की बात करूंगा, डोंट वरी, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा आपको टच करूंगा, क्योंकि हमारे पेपर में EISSM में सारे सब्जेक्ट यहां से इंप्लीमेंट होते हैं, ये पाइपलाइन है। EISSM इज द पाइपलाइन ऑफ ऑल द पेपर्स दैट यू स्टडी इन इंटर एंड फाइनल। सो बहुत सारे कम बच्चे होते हैं जो रेशियो एनालाइज करना जानते हैं, रेशियो को देख करके बताना जानते हैं कि ये लेवल है 1.5 है अगर लिक्विडिटी रेशियो, तो इसका ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वही जब जाके आप फाइनल लेवल पे स्ट्रेटजिक एनालिसिस करते हो, SCMPE पढ़ते हो, स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो, तो आप क्या करते हो, आप मोटे मोटे तौर पे कुछ नहीं करते हो, आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो, किसका, अपने इन्हीं टेक्निक्स का, इन्हीं चीज़ों का, इसके बेसिस पे आप स्ट्रेटजिक डिसीजंस लेते हो। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना हर किसी को आता है, बोलो, लेकिन मेक एंड बाय डिसीजन लेना हो, प्रोडक्ट को कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू करना हो, इसके लिए क्या इंपैक्ट होगा, इसके लिए क्या असर पड़ेगा, ये एनालिसिस करना मुश्किल है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में हम इस लेवल पे बात करेंगे, यही रोल है बिजनेस एनवायरमेंट पढ़ने का और उसको इंप्लीमेंट करने का। चलो स्टार्ट करते हैं, अब अपना पेपर स्टार्ट करते हैं, आई होप कि आप ये वाला पार्ट तो कर ही लोगे। चलो जी, अब सबके दिमाग में ये होगा सर जल्दी जल्दी चैप्टर बता दो, ये बता दो कौन कौन सा बुक यूज करने वाले हो, सो दैट वी कैन स्टार्ट द सिलेबस, राइट। लेकिन नहीं, रुक जाओ, ये सबसे बोरिंग काम होगा धरती का अगर मैं आपको स्टार्ट करूं कि बेटा ये 8 चैप्टर होते हैं, ये उनके नाम है, ये उनका वेटेज है, मैं इतना टाइम लगाऊंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। सबसे पहले मैं हिट करूंगा आपको एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट, एक इसके कॉन्सेप्ट्स, एक इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है स्ट्रेटजी, जिसके ऊपर ये सब्जेक्ट बनाए, पहले उसको समझाऊंगा एंड देन आई विल टेक यू टू योर सिलेबस, ठीक है, चलेगा, अग्रीड? स्टाइल चेंज करते ना, बहुत पुराना हो गया ना,
और बेटा ये 50 नंबर का आता है, 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन प्रैक्टिकल आता है, फिर ऐसा आता है, फिर ऐसा आता है, ये नंबर ऑफ चैप्टर्स है, हर एक चैप्टर का ये वेटेज है, ये चैप्टर 5 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं आता, ये तो बहुत आसान है, ये सब करना तो यार सभी करते हैं ना, इस तरह से बात नहीं बनेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ये गाड़ी के बारे में किसने सुना है, खूब चर्चा में है ना ये गाड़ी, एकदम लेटेस्ट केस स्टडी है, लेटेस्ट। सबसे पहले मैं क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सिनेरियो से, केस से, इसके बेसिस पे इसको बताते हुए आपको समझाऊंगा कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या है और स्ट्रेटजी क्या है। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, एक बार अगर कहते हैं ना कि मतलब एक बार अगर पेपर से मोहब्बत हो गई, एक बार स्ट्रेटजी वर्ड समझ में आ गया, तो फिर तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है क्या और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट और बिजनेस स्टडीज, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअली। तो बोलो भाई इस गाड़ी के बारे में कितने लोग जानते हो, गूगल कर लो फटाफट मेरे सामने, नहीं तो मैं गूगल पे ले चलूंगा। देखो दो कारें हैं, बहुत ध्यान से सुनो, दो कार्स हैं, एक है अर्बन क्रूजर हाई राइडर टोयोटा की, एकदम लेटेस्ट अभी लॉन्च हुई है, मार्केट में नहीं आई है, अभी आई नहीं है, यही तो बात है ना इंस्टीट्यूट के दिमाग में। तो जो एक बात और ध्यान रखना, अभी बात कर रहा हूँ आप लोगों से, इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन सेटर होता है, कोई भी क्वेश्चन सेटर तुम्हें भी बना दो मुझे भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस बंदे के दिमाग में पता है सबसे पहली बात क्या आती है, लेटेस्ट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, बोलो यस सर नो, क्या लगता है आपको, आपको बोलो क्वेश्चन सेट करो तो आप क्या करोगे, सिलेबस सामने रखोगे और देखोगे कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल्स के लिए क्वेश्चन सेट कर रहा हूं ना, तो जो लेटेस्ट चल रहा होता है इंस्टीट्यूट की फोकस उसी लेटेस्ट पे होती है, और जब लेटेस्ट पे होती है तो वो उसको लेटेस्ट चीजों को स्टडी करता है, इंडस्ट्री में चल क्या रहा है और जो चल रहा है उस पर वो क्वेश्चन सेट करता है, एंड दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये लेटेस्ट है। और एक ना ग्रैंड विटारा सुजुकी की गाड़ी आ रही है, दो गाड़ियां मार्केट में दबा के आ रही हैं, और सुना है हमने, स्टडी किया हमने, इसलिए केस इसके सामने लेके आया हूं आपके सामने। मेरा ऐसा मानना है कि SUV मिनी SUV सेगमेंट के अंदर ये दोनों गाड़ियां बहुत जबरदस्त धमाल मचाने वाली हैं, ऐसा स्ट्रेटेजिकली इनके स्ट्रेटेजिस्ट का, इन कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट का मानना है, क्या इन दोनों कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट का मानना है, किसका मानना है जरा सारे लोग बोलिए एक बार, कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। ये दोनों गाड़ियां मार्केट में बिल्कुल भौकाल मचाने वाली हैं, बिल्कुल पूरे मार्केट की, पूरे क्रेटा की, सेल्टोस की, एमजी हेक्टर की, एमजी एस्टर की, सबकी लगाने वाली है, ऐसा इन कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट का मानना है। मतलब वो ये मानते हैं कि इन गाड़ियों का लॉन्च होना स्ट्रेटेजिक है, स्ट्रेटेजी है इसके पीछे, यस और नो सारे लोग बताइए जरा सा, सोच के सोचो। दिल में इश्क को दे जगह है मेरे दोस्त, इल्म से शायरी नहीं आती, मोहब्बत से, एकदम प्यार से पढ़ने का ये पेपर, बहुत हेल्प करता है ये पेपर थ्रू आउट द लाइफ, यस सर। अब हाई राइडर और ग्रैंड विटारा के बारे में एक और छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये दोनों ना सेम गाड़ी है, सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, दो अलग कंपनियां इसको बेचेंगी, कौन ज़्यादा बेचेगा यार, किसके पास मार्केट शेयर ज़्यादा होगा, किसकी मार्केट पोजिशन बेहतर होगी, अब ये भी बात है, बिल्कुल डिट्टो सेम गाड़ी है, एक ही टेक्नोलॉजी है, एक ही सब कुछ है, स्पेसिफिकेशन सेम है, थोड़े थोड़े डिफरेंस हैं, ब्रांड अलग अलग है, बात समझ आई क्या, एक टोयोटा है और एक सुजुकी है, बस इतने का डिफरेंस है, बाकी ये गाड़ी दोनों कंपनियों ने मिलके बनाई है, क्या बात है, मतलब आप ये कहना चाहते हो सर ये कार कोलैबोरेशन में बनी है, इन कोलेबोरेशन विद सुजुकी, इन कोलेबोरेशन विद हाई राइडर मीन्स टोयोटा हैज क्रिएटेड दिस कार। देखो एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, आज दुनिया कॉम्पिटिशन का नहीं कोलेबोरेशन का है, क्या बोला जमी क्या बात, आज दुनिया कॉम्पिटिशन की नहीं कोलेबोरेशन की है, पहले कोलेबोरेशन एंड देन कॉम्पिटिशन, दोनों चलता है। अब ध्यान से सुनो, टोयोटा की एक गाड़ी आती है कैमरी, सुना है कैमरी, बड़ी 40-45-50 लाख की गाड़ी है, बहुत तगड़ी गाड़ी है, मैंने भी टेस्ट ड्राइव लिया 3 दिन पहले, ध्यान से सुनना, उस गाड़ी में एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी है ध्यान से सुना। अब देखो दूसरी बात लेके आ गया, तुम बोलोगे सर अभी तो गाड़ी की बात करते, अभी टेक्नोलॉजी पे आप आ गए, यस एक टेक्नोलॉजी है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, जिसमें बैटरी एंड इंजन मिल करके पावर देते हैं गाड़ी को, और इस टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है, ना ये प्योर इलेक्ट्रिक है ना ही ये प्योर पेट्रोल पे चलती है, पेट्रोल भी लगेगा, 80% पेट्रोल लगेगा और 20% इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इसको हाइब्रिड बोला, दोनों के मिलने से ये गाड़ी चलेगी, कमाल की गाड़ी है कैमरी का, और उसका वीडियो भी बनाया था, वो दिखाऊंगा आपको आज के सेशन में, अभी बात करते हुए
कि वो कैसे गाड़ी परफॉर्म करती है, गाड़ी वर्क कैसे करती है, वो कार वर्क कैसे करती है, जिसकी वजह से 80-20 के रेशियो पे काम करती है। और फ्यूल इकोनॉमी कितनी है पता है आपको? अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसी कार नहीं है एसयूवी सेगमेंट में जो 28-30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती हो। अब ध्यान से सुनो, बात कार की नहीं हो रही है, मैं कार की एडवर्टीजमेंट का की क्लास नहीं चला रहा हूँ, मैं स्ट्रेटजी की क्लास में आपको स्ट्रेटजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों कंपनियों ने सबसे पहले क्या किया, कोलेबरेशन, क्योंकि सुजुकी को पता था कि टोयोटा के पास ऑलरेडी कैमरी नाम की एक गाड़ी है जो पिछले 8 साल से इंडियन मार्केट में है और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। इतनी बड़ी गाड़ी, बड़ा सा जहाज है जो कि 19 किलोमीटर पर आर की माइलेज देता है, पर किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देता है, 19 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देता है। इतनी बड़ी गाड़ी है, बड़ा सेगमेंट में है, सेडान है, लग्जरी है, और उसके बावजूद भी 19 किलोमीटर की माइलेज देता है। क्या किया सुजुकी ने, टोयोटा के साथ इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के लिए कोलेबरेशन किया, तय हुआ कि हम एक मिनी एसयूवी बनाएंगे, क्रेटा, सेल्टोस, इन सब की मोनोपोली खत्म करेंगे, माइलेज भी हमारी सुपरलेटिव होगी 28-30, लोगों को भरोसा ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, मतलब कस्टमर को वो फील देंगे कि दाम में हो काम और काम में हो दम। बोलो भाई, यस सर। कस्टमर को ये कोलेबरेशन किस लिए हुआ है, ये कोलेबरेशन क्या स्ट्रैटेजी है, बोलिए भाई, क्या ये कोलेबरेशन अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है, कोलेबरेशन क्या अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है? यस सर, ये स्ट्रैटेजी है। मीनिंग नहीं पूछूंगा इस स्ट्रैटेजी की, अभी समझो कि ये स्ट्रैटेजी है। इसके लिए टॉपिक पढ़ेंगे हम, स्ट्रैटेजिक अलायंस बोलते हैं, इसी चैप्टर में, इसी सिलेबस में पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक अलायंस। अलायंस करना, पार्टनरशिप करना, जेवी करना, कोलेबरेशन करना, कंसोर्टियम बनाना, करात्सु बनाना, बहुत तरह से कार्टेल बनाना, ये सब हम मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन, प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं, ये सब करते हैं। इस कंपनी ने भी किया, स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। और ये डिसीजन किसने लिया होगा, मैनेजर ने, कार बनाने वाले एग्जीक्यूटिव ने, मैकेनिक ने, इंजीनियर ने? नहीं सर, उन दोनों कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट ने लिया होगा। तो बात समझ में आई क्या, स्ट्रेटजी इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ टॉप मैनेजमेंट, यस सर नो? थोड़ा रिस्पॉन्ड करना, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बाकी सब गैर जरूरी है। रिस्पॉन्ड करते रहना, सीखते रहोगे, सारे सेंटर से भी जवाब आने चाहिए। सेंटर्स का पैनल मेरे को प्लीज राइट हैंड साइड पे दे दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे वहां से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अलग अलग सेंटर से सारे जवाब आने चाहिए मेरे पास। यस, थैंक यू, ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनो, ये सब बातें हो गई, लेकिन यार इन सब के बावजूद एक जबरदस्त गाड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी की मार्केट में लॉन्च होगी, हो गई है। मैंने भी एक बुक करी है, मैंने ये वाली बुक करी है। अब तुम पूछोगे सर, सवाल है आपका, सवाल और जेन्युइन है, कि सर आपने सुजुकी क्यों नहीं ट्राई किया, आपने हाईराइडर क्यों लिया? और मैंने गाड़ी बुक करी है इसीलिए मैं केस पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये केस मैंने पढ़ा, केस तैयार किया, इसको स्टडी किया, उसके बाद मेरे को लगा कि ये कमाल की गाड़ी आ रही है, स्ट्रैटेजी कहती है ऐसी गाड़ी बाय करो, तो बाय किया। समझ में आई सबको ये बात? इसलिए नहीं कि मैंने बाय किया तो ये वो हो गया, मैं अपना व्यू पॉइंट नहीं इम्पोज कर रहा हूँ, मैं मार्केट का व्यू पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मार्केट ने परचेज किया। ध्यान से सुनो, इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशन पे चलते हैं, ये है ये कार, इसके स्पेसिफिकेशन पे चलते हैं, ब्रीफली चल रहा हूँ। पेट्रोल है, 136.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, 4400 RPM, मतलब उतनी स्पीड से इसका रिवॉल्व करेगा, ठीक है। इसके रेंज है बहुत सारे, 9.5 लाख से ये गाड़ी शुरू होती है, बेस इसका प्राइस 9.5 लाख है। अब आप समझ ही सकते हो कि इकोनॉमिकल भी है, SUV सेगमेंट के हिसाब से 14-15 लाख से ही गाड़ियाँ शुरू होती हैं, 12-13 लाख से शुरू होती हैं, लेकिन इन्होंने 10 लाख से नीचे की प्राइस से शुरू किया है। हाइब्रिड वर्जन इसका 13.5-13 पे शुरू होगा, 13-13.5 पे। ध्यान से सुनो, डिस्प्लेसमेंट वगैरह ठीक है, 1462 का मतलब 1.5 लीटर का इंजन है, 1.5 लीटर का इंजन है, पेट्रोल इंजन है विद इलेक्ट्रिक बैकअप। कुछ और बातें, बाकी सब बातें, 5 स्पीड है, 40-45 का फ्यूल टैंक है, 45 लीटर्स का। कुछ एक दो पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखना इस गाड़ी की लेंथ क्या है, आपके रुको ना, थोड़ा सा डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस गाड़ी की लेंथ है 4365 mm, राइट, रुक जाओ, यही एक दूसरी गाड़ी है हमारी, विटारा, विटारा
अब एज ए कस्टमर मैं आपको बता रहा हूं, मैंने क्या क्या चीजें ऐसी देखी जिसकी वजह से मैंने विटारा को छोड़ करके, जबकि सेम टेक्नोलॉजी है, एक ही दोनों कंपनियों ने मिलकर बनाया है, सिर्फ बॉडी अपना अपना बनाया है, अंदर का सारा मामला सारा पार्ट एक ही है, बस ऊपर का मामला थोड़ा सा अलग, दोनों कंपनियों ने अपने स्टाइल से डेवलप किया है, सुजुकी ने सुजुकी स्टाइल से और टोयोटा ने टोयोटा स्टाइल से। टोयोटा की गाड़ियां फॉर्च्यूनर इनोवा बहुत पॉपुलर है, सब बच्चों को पता होगी, ध्यान से सुनना, केस स्टडी पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही पढ़ते हैं केस स्टडी, ठीक है, एकदम प्रैक्टिकल डेटा फैक्ट्स फिगर एंड रियलिटी के साथ पढ़ते हैं, समझ में आती है बात। लगभग देखो ये दोनों गाड़ियों में 136.8 Nm ये भी प्रोड्यूस करता है, क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, 5 speed वही है, 45 का इस फ्यूल टैंक, रियर सस्पेंशन ये वो सब एक जैसा, देखना इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, 43 45 ठीक है mm, 4345 mm, इसकी क्या है 4365 mm, 20 mm ज्यादा है ना इसकी लेंथ। आगे ना बात औकात की, अरे जो गाड़ी इनोवा बनाती है, फॉर्च्यूनर बनाती है, क्रूजर बनाती है, जो गाड़ी अपना कैमरी बनाती है, उस गाड़ी में कुछ तो खास बात होगी ना, उस कंपनी में कुछ तो खास बात होगी ना, उस कंपनी का ब्रांड, उसको अपने ब्रांड की भी तो सोचनी है ना। इसका मतलब कस्टमर के दिमाग में कोई भी प्रोडक्ट जब भी वो लेता है, उसके फीचर, उसकी क्वालिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी सर्विस, उसकी आफ्टर सेल सर्विस, नहीं उसका ब्रांड, उसकी मार्केटिंग, उसकी एडवर्टीजमेंट इम्पैक्ट करती है, बोलो यस और नो। उसके बेसिस पे कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है या कौन सा प्रोडक्ट नहीं खरीदना है डिसाइड करता है। मतलब जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके पीछे हमारा दिमाग लगता है, ये दिमाग सोचता है, ये दिमाग जजमेंट करता है और तब डिसाइड करता है। दोनों दो की सेम है बट फिर भी कोई ना कोई तो डिफरेंस है, कोई ना कोई प्लस माइनस तो है। मैं ये सब देखूंगा और देखने के बाद प्रोडक्ट खरीदूंगा। खरीदना अलग बात होती है, प्रोडक्ट के बारे में जजमेंट करना अलग बात होती है। जो जजमेंट है इंसानी, कस्टमर के दिमाग का, कंज्यूमर के ब्रेन का जो थॉट प्रोसेस है किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस के मामले में, उसकी जो उसके बारे में जजमेंट है, अजम्पशन है, जो यूटिलिटी वो ऑब्जर्व करता है, उसे हम वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक नया टर्म दे रहा हूं आपको, वैल्यू बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। सारे बच्चे यहां पे जरा रुकेंगे और मेरे साथ वैल्यू की एक छोटी सी डेफिनेशन नोट करेंगे, फिर अपन आगे जाएंगे। भाई क्या हो रहा है ये, यस रुक जाओ, अभी मैं आपको एक पहला टर्म दे रहा हूं, दैट इज वैल्यू, फिर बात करूंगा वैल्यू। अभी मैंने बताया ना, हाँ माइनर है पर डिफरेंस तो है। ओ भाई मटीरियलिटी, पीयूष राज कहां पहुंच गए, मटीरियल है भैया, एक एक सूत का फर्क पड़ता है, ठीक है। तुम्हें मैं 5 एग्जाम्पल कम कराऊं, कोई 5 एग्जाम्पल ज्यादा कराए, किसी के पढ़ाने से 1 क्वेश्चन ज्यादा आप अटेम्प्ट कर सकते हो और किसी के पढ़ाने से 1 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर सकते हो। किसी के पढ़ाने से आपको लगता है, बोलने को तो आप ये भी बोल सकते हो, एक ही क्वेश्चन की बात थी ना, कौन सी बड़ी बात हो गई, क्या डिफरेंस हो गया, लेकिन एक नंबर से किसी का रैंक और किसी का ग्रुप भी रह सकता है, अग्रीड और डिसएग्रीड। तो माइनर कुछ भी नहीं होता, जब बात आती है प्रोडक्ट की, सर्विस की, पैसे देने की, जिंदगी की, करियर की, तो एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही एक एक बात इंपॉर्टेंट होती है जब बात होती है प्रोडक्ट सिलेक्शन की। छोटी से छोटी बात मैटर करती है। अभी बहुत सारी बातें बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों चूज किया ये गाड़ी को, बात समझ में आई क्या। चलो वैल्यू मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे क्रूजर हो, हाई राइडर हो या हमारा विटारा हो, उसके बारे में हमने क्या किया, हमने एक जजमेंट किया। वैल्यू इज वॉट, जजमेंट इन द माइंड ऑफ कस्टमर। अभी केस पूरा नहीं हुआ, हैव पेशेंस, बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा, आप खुल के आ जाएगी बात अपने आप। सो पूरा एकदम फॉलो करना लास्ट तक, आपको समझ में आएगा क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। कस्टमर अबाउट द वर्थ, वैल्यू मीन्स वर्थ ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट और सर्विस। वैल्यू मीन्स वॉट, वैल्यू मीन्स द जजमेंट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, और कह सकते हो कस्टमर्स जजमेंट अबाउट द वर्थ ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। वर्थ, वर्ड यूज किया वर्थ, वर्थ का मतलब क्या है,
बहुत सारे लोग वर्थ को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। अब एक कंपनी की वर्थ बोलता हूं तो आप बुक वैल्यू पे और मार्केट प्राइस दोनों पे बता देते हो, है ना, एज पर द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, एज पर मार्केट वैल्यू अलग अलग हो सकती है। यहां भी जजमेंट किसी भी कंपनी की, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की वर्थ अलग अलग होती है। वर्थ इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स, नोट करना फीचर्स, बार बार रिपीट करूंगा इस टर्म को, बार बार हजार बार इसको डिस्कस करेंगे, फीचर्स क्वालिटी आफ्टर बिजनेस एनवायरमेंट। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टडी इज वैल्यू, और वैल्यू को समझना। बहुत सारे लोग वैल्यू को प्राइस समझ लेते हैं। वैल्यू इज नॉट प्राइस, वैल्यू इज नॉट प्राइस, वैल्यू इज समथिंग फॉर विच द विलिंग कस्टमर इज विलिंग टू पे। तो प्राइस बाद में आता है, वैल्यू जजमेंट पहले आती है, और वैल्यू डिटरमिन होती है फीचर से, क्वालिटी से, किसी भी प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी से। अब देखो फीचर की बात करी मैंने, तुमको एक स्पेसिफिकेशन बताया और तुमको कह दिया ये फीचर इसमें ज्यादा है, मैं जाऊंगा किसके साथ, हाई राइडर के साथ, बोलो यस और नो। एक छोटी सी बात, और भी बहुत सारे फीचर बताऊंगा। क्वालिटी की बात आती है, मैं कहूंगा ये तो यार कंपनी फॉर्च्यूनर जैसी मजबूत गाड़ियां बनाती है। अब देखो एक छोटा सा आंकड़ा आपसे और शेयर करता हूं, छोटा सा, आपको अभी समझ में आ जाएगा क्वालिटी कहां मैटर करती है। सुजुकी की गाड़ियों में जो नॉर्मल बॉडी बनती है ना, गाड़ी की बॉडी बनती है, उसमें जो मेटल मिक्स होता है वो 42-48% होता है मैक्सिमम। और टोयोटा की गाड़ियों में जो बॉडी का मेटल मिक्स होता है ना, गाड़ी कोई कोई भारी होती है, कोई हल्की होती है, वो होता है 60-68%। अब बताओ तुम कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो सेफ्टी पर्पज के हिसाब से? एक गाड़ी जिसमें ठीक से ऐसे हो जाओ तो पिचक जाए, क्यों नहीं मार दो तो अंदर हो जाए, और एक गाड़ी कि तुम्हारी हड्डी बाहर हो जाए, अगर उसको मारा तुम्हारी हड्डी बाहर होगी, गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। दोनों में से कौन सी गाड़ी लेना चाहोगे, 68% मेटल मिक्स वाला या 40-48% मेटल मिक्स वाला? ऑब्वियसली यू विल गो फॉर 60-68% बिकॉज सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। गाड़ी है तो लोहा भी मजबूत होना चाहिए ना भाई उसका। लोग टाटा की गाड़ियां हैरियर या नेक्सॉन क्यों ले रहे हैं? हैरियर या नेक्सॉन इसलिए ले रहे हैं कि उसकी बॉडी बिल्ट बहुत अच्छी है। ऑटोमोबाइल की क्लास नहीं चल रही है, क्लास तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की ही चल रही है। वैल्यू समझा रहा हूँ और प्रैक्टिकलिटी के साथ समझा रहा हूँ, जो आपके डिस्कशन में दिन भर होता है, लेकिन हम सोचते नहीं है कि एक्चुअली हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। हम डिस्कस तो कर रहे हैं गाड़ी इसकी ऐसी है, इसकी ऐसी है, ये ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये कंपनी का पता है तुझे क्या धांसू गाड़ी आई है, है ना, और उसके बारे में तुम्हें इतनी नॉलेज होती है, तुम एकदम दुनिया जहान को बता देते हो। बट Why are you telling all this thing? अगर this question is being asked to you, तो आप सोच में पड़ जाते हो क्या पूछ रहे हैं यार, ये क्या यार, ये पागलों वाली बात कर दी, है ना? I mean, चलो भाई, ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी। एक बात बताइए, इस गाड़ी को मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी हाइब्रिड है, इससे मुझे फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, और ये अवेलेबल है मेरे सिटी में। हाई राइडर बहुत अच्छी होती है, मेरे शहर में मिलती ही नहीं अगले 8 महीने तक, तो मैं क्या करता, मैं जाता कहाँ पे, महिंद्रा के शोरूम में, और बोलता भाई न्यू आई है क्या, बड़ी गाड़ी है एकदम जहाज जैसी गाड़ी है, फ्यूल इकोनॉमी मात्र 11-12 की है, मैं उसको उठा के ले आता। लेकिन मेरे को नहीं चाहिए ना, मेरे को तो 30 वाली इकोनॉमी चाहिए, मेरे को तो लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, मेरे को मजबूत गाड़ी भी चाहिए, काम में हो दम और दाम में हो कम, ऐसी गाड़ी चाहिए। ओके, टेक्नोलॉजी, सर्विसेस एंड आफ्टर सेल सर्विसेस। अब देखो गाड़ी बहुत अच्छी है, सर्विस मिलती ही नहीं। अब देखो दोनों कंपनियों के सर्विस में आपको डिफरेंस बताता हूं। अभी बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर सर्विस में भी डिफरेंस होता है, यस। केंट का आरओ क्यों खरीदते हो? केंट का आरओ खरीदते हो, केंट में कोई प्रॉब्लम आती है, आरओ में कोई प्रॉब्लम आती है, वैक्यूम क्लीनर में कोई प्रॉब्लम आती है, 24 घंटे के अंदर उसका इंजीनियर तुम्हें सर्विस देता है। वैल्यू है ना, प्रोडक्ट के बारे में तुम्हारी जजमेंट अच्छी होगी ना, खराब तो नहीं होगी, यस और नो बोलो, अच्छी होगी। इसी तरह से तुम एक गाड़ी खरीदते हो, वो कहता है अच्छा आइए सर्विस करानी है, आ जाओ सर कोई बात नहीं, आ जाओ सर 5 घंटे गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। अगर गाड़ी आपको 1 घंटे में चाहिए तो सर हमारे पास ऐसी कोई सर्विस फैसिलिटी नहीं है। टोयोटा पता है क्या कहती है? टोयोटा की एक सर्विस गारंटी है जिसे हम बोलते हैं EM60, ठीक है, इमरजेंसी मेंटेनेंस 60, मतलब एकदम 60 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी को तैयार करके सर्विस करके आपको हैंडओवर कर देंगे, ऐसा उनके पास सर्विस सेंटर है, ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट
टेक्नोलॉजी पे उन्होंने काम किया, 60 मिनट में गाड़ी सर्विस। मतलब आपको अर्जेंसी है, किसी मीटिंग में जाना है, गाड़ी आपको प्रॉब्लम कर रही है, आपके पास 2 घंटे है, 1 घंटे की ड्राइव है, आप टोयोटा पे भरोसा कर सकते हो, जाओ सर्विस सेंटर में गाड़ी फेंको, बोलो भैया 1 घंटे में चाहिए, आपकी जो भी चार्ज होगी हम देंगे, 60 मिनट में आपको गाड़ी सर्विस करके मिलेगी। अब ये तो कमाल की बात है ना। मारुति में जाओ, सर नहीं हो पाएगा सर, शाम को ही गाड़ी मिलेगी सर, वॉश करके सर उधर बाहर को मिलेगी, आ जाना। आ जाएंगे भैया, ठीक है, ऑटो बुलाओ यार, नहीं ओला बुक करो यार, चलो भाई अपनी गाड़ी रहते हुए ओला में धक्के खा रहे, उबर में धक्के खा रहे, है ना, गली गली भटक रहे, ठीक है, ऑटो नहीं मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा, गाड़ी क्यों रखता है इंसान, उसको फैसिलिटी चाहिए, सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस, उसके बाद अगर बात करें ब्रांड की, ये भी परसेप्शन क्रिएट करता है, जीन्स खरीदनी है लेवाइस खरीद लूँगा सर, मैं रैंगलर लूँगा सर, मैं नियो लूंगा सर, मैं नम्रो यूनो लूंगा, डिपेंड करता है ना, ब्रांड को देख के जाते हैं, जूते खरीदते हैं, सर मैं नाइकी में जाऊंगा, रिबॉक में जाऊंगा, ठीक है, वुडलैंड में जाऊंगा, डिपेंड करता है मैं किस टाइप के जूते खरीदने वाला हूँ, लिबर्टी में जाऊंगा, किसी को टाटा पसंद है टाटा में जाएगा, किसी को बाटा पसंद है वो बाटा में जाएगा, बात खत्म। तो ब्रांड इज इंपॉर्टेंट, ब्रांड ऑल्सो क्रिएट्स अ जजमेंट। मुझे लगता है टोयोटा इज अ बेटर ब्रांड एज फार एज द रिलायबिलिटी इज कंसर्न, उसकी जितनी भी गाड़ियां हैं उसका सुपर, मारुति इज ऑल्सो बिग ब्रांड, लेकिन मारुति का इंप्रेशन क्या है, ठीक है सस्ता है, इंडियन रोड्स के लिए बनी हुई गाड़ी है, लेकिन जब बात एसयूवी की आती है तो बात क्रेटा की आती है, सेल्टॉस की आती है, एसयूवी सेगमेंट में अभी तक उतना बड़ा जंप इन्होंने नहीं मारा। ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों की बात आती है तो एटिगा और एक्सेल 6 की बात आ जाती है, वो ठीक है, लेकिन मुझे फैमिली एसयूवी चाहिए तो मैं क्रेटा के पास जाऊंगा, सेल्टॉस के पास जाऊंगा, या टोयोटा जैसे के पास जाऊंगा जो इनोवा और फॉर्च्यूनर बेचता है, उसकी एसयूवी आ रही है, जरूर खास होगी, महिंद्रा की एसयूवी है, इसी की स्पेशलाइजेशन है, जरूर खास होगा, मैं रिलाय करूंगा। और सर मार्केटिंग तो रोल प्ले करता ही है, एन एडवर्टीजमेंट, नहीं मिट्टी गोभी सोना बता के बेच सकते हैं आप, तो ये भी जजमेंट को क्रिएट करने में हेल्प करता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वैल्यू। बात समझ में आ गई, क्या ये बात एकदम क्लियर है सबके दिमाग में कि मैं वैल्यू से क्या कहना चाह रहा था। इसी केस स्टडी के अंदर हमने एक टॉपिक, एक पॉइंट पढ़ लिया जिसका नाम है वैल्यू। सो अब मेरा एक सवाल है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, प्राइस पे या वैल्यू पे, मेरे को पहले जवाब दीजिए फिर हम बात करेंगे। प्राइमरीली उसको सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पे करना चाहिए, प्राइस पे या वैल्यू पे। थैंक यू सो मच दीप्तेश, चेतन, चिराग, राजकोट, पलवल, और भी सेंटर्स, और भी बताओ भाई, कोलकाता आप भी बताओ, आप लोग इतने शांत क्यों हो, रांची कोई जवाब नहीं, जरा जवाब दीजिए। यस सर हम वैल्यू पे ज्यादा रिलाय करेंगे, प्राइस की बात बाद में आएगी, वैल्यू इज गोइंग टू सेट द प्राइसेस, ठीक है। नाउ वैल्यू इज द वर्थ, अब कंक्लूड कर रहा हूं, ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर विच द कस्टमर इज विलिंग टू पे अ प्राइस। नाउ यू गॉट द आइडिया कि वैल्यू और प्राइस में क्या डिफरेंस है, ये भी क्लियर हो गया आपको। प्राइस क्या है, वैल्यू की जजमेंट, वर्थ, किसी भी प्रोडक्ट के वर्थ को हम समझते हैं, हमें लगता है ये प्रोडक्ट 18 लाख रुपीस का है और हमें ये 17 लाख में मिल रहा है, हम कहेंगे जाएंगे इसके पे, क्यों, क्योंकि हमें यहां पे कुछ सेविंग हो रही है, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू की जजमेंट 18 लाख, हमें प्राइस पे करनी है 17 लाख, आई एम हैप्पी, आई विल गो फॉर दिस। अगर उसकी वर्थ ही 18 लाख की है और कोई बोलता है 19 लाख दे दो, कोई मैं देने को तैयार होऊंगा क्या, नहीं, मेरी जजमेंट इस प्रोडक्ट के बारे में 18 लाख, क्या जाते हैं हम किसी भी शोरूम में जाते हैं कार खरीदने के लिए तो क्या पूछते हैं, वैल्यू फॉर मनी कार बताओ, आप पूरे सोशल मीडिया को उठा के देख लो, एडवर्टीजमेंट क्या होती है कि सर दिस इज अ वैल्यू फॉर मनी कार, क्या कहने का मतलब होता है, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है, प्राइस जो आप पे करोगे उस हिसाब से बहुत कम पे कर रहे हो साहब, आपकी बहुत बचत हो रही है, आप इस कार को भाग के खरीद लो, ये वैल्यू फॉर मनी कार है, पैसा वसूल है, इसी को बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी, मींस वर्थ की जजमेंट होती है कस्टमर के दिमाग में, वो सोचता है और उसके बेसिस पे वो प्राइस पे करने के लिए तैयार होता है, तो हमेशा प्राइस वैल्यू से नीचे सेट की जाएगी, ये कौन कहता है, ओम त्रिवेदी नहीं कहता, ये स्ट्रैटेजी कहती है। स्ट्रैटेजी क्या है अभी भी नहीं समझ में आ रहा, ये तो बड़ा अजीब अजीब चीज है, कोई बात नहीं,
बात करेंगे इसके बारे में। ये भी नोट कर लो, नोट करके बताओ हुआ केस पे वापस चलेंगे। अब पिक्चर क्लियर होगी। ये दोनों गाड़ियां, ठीक है, ग्रैंड विटारा के बारे में हमने सारी बात करी। ग्रैंड विटारा अब देख लो भाई, 2022 का मॉडल है, मल्टीपल फीचर्स है, इंटीरियर एक्सटीरियर डायमेंशन फ्यूल एफिशिएंसी सब ठीक है, एक जैसा सस्पेंशन, ठीक है, इंजन ट्रांसमिशन मेटल, मेटल मिक्स कितना है 48%। अब ध्यान से सुनना, एक और डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बताता हूं। या इसने ना, मारुति ने क्या बोला, विटारा ने क्या बोला कि हम आपको 2 ईयर का मेंटेनेंस देते हैं, 8 ईयर बैटरी मेंटेनेंस, बैटरी वारंटी देते हैं, ठीक है, और 2 ईयर्स का मेंटेनेंस देते हैं हम आपको फ्री, ठीक है, और अप टू 40,000 किलोमीटर, यही ऑफर किया ना उसने। तो मतलब क्या है, विटारा ने जो हमें वैल्यू डिलीवर करी, वैल्यू ऑफर करी, वो ये है, ठीक है। विटारा ने, ग्रैंड विटारा ने जो हमें वैल्यू ऑफर करी वो आपकी आंखों के सामने है, नोट करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्रैंड विटारा ने इस वैल्यू को क्रिएट करने के लिए, ये रही वैल्यू, इस वैल्यू को क्रिएट करने के लिए कुछ पैसा लगाया होगा, इसकी कोई, इसको क्रिएट करने के लिए, ऐसी कार बनाने के लिए उसकी कोई कॉस्ट इनकर करी होगी। यस सर, कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस बनाते हैं उसकी एक कॉस्ट होती है। से फॉर एग्जाम्पल, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ग्रैंड विटारा को इस प्रोडक्ट को बनाने में 9 लाख रुपए लगते हैं। किस लिए लगते हैं 9 लाख रुपए लगा के ग्रैंड विटारा क्या कर रहा है, प्राइस सेट कर रहा है या वैल्यू क्रिएट कर रहा है, जरा बताइए। कॉस्ट इज इनकर्ड टू क्रिएट वैल्यू, कॉस्ट इज इनकर्ड टू क्रिएट वैल्यू, यस और नो, कितने लोग अग्री करते हैं? एकदम टेक्निकली पढ़ा रहा हूं आपको, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की वो आत्मा बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो सोल, जो अगर आपने समझा तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझा मेरे मित्रों, वो जो आप समझते हो ना जिस तरह से स्ट्रेटजी, वो नहीं है, वो सब कहानियां है, उससे स्ट्रेटजी नहीं समझी जाती। स्ट्रेटजी एकदम इंडस्ट्री को डिस्कस करके समझी जाती है, एंड दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर। यस सर, ये 22 का मॉडल, ये इतने सारे फीचर, डायमेंशन, मेटल मिक्स, 2 ईयर वारंटी, 8 ईयर मेंटेनेंस, बाकी सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस और बाकी चीजों को जोड़ करके टोटल 9 लाख रुपए का पैसा लगा करके हमने ये ग्रैंड विटारा गाड़ी क्रिएट करी। मतलब सर, जब मार्केट में जाएगी ना ये गाड़ी, तो कस्टमर की जजमेंट जो कि इसके बारे में 19 लाख के बारे में, मतलब वैल्यू क्रिएट किया। तो यहां पे छोटा सा नोट लिख लो, कॉस्ट इज इनकर्ड टू क्रिएट वैल्यू, ये पिलर आप धीरे से बना लेना अपने नोटबुक के ऊपर। वैसे मैं शेयर भी कर दूंगा इसका पीडीएफ, फिर भी आप बना लेना और बात करते रहना ऐसे। ये पिलर आपके मॉड्यूल में है, आपके सिलेबस में है, मैं वहां पहुंच चुका हूं। आज जो कुछ भी पढ़ाऊंगा आपके स्टडी मैट से ही पढ़ा रहा हूं, बट आज के सेशन का वेटेज होगा एटलीस्ट 10 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। सो बहुत ध्यान से सेशन सुनना। पहले 2 सेशन में मैं पूरा बेस बनाऊंगा तगड़ा वाला, 2 की मैं चैप्टर नंबर 1 एंड 2 को कवर कर रहा हूँ, बट धीरे धीरे आपको मैं प्रोग्रेस कराऊंगा। शुरू की क्लासेस स्लो होंगी और धीरे धीरे अपन फास्ट होते जाएंगे। अभी पेजेज आप मॉड्यूल के नहीं गिनना शुरू करोगे, वो आप 2-3 दिन के बाद शुरू करोगे। पहले पूरा सब्जेक्ट पहले दिल में बिठा लो, समझना शुरू करो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना शुरू करो और फिर एनालिसिस समझेंगे, खूब अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो फंस जाएंगे बीच में जाके। यस, अब मुद्दे पे आते हैं। कॉस्ट इज इनकर्ड टू क्रिएट वैल्यू, वैल्यू क्रिएट करी। अब ग्रैंड विटारा का प्राइस लॉन्च होगा, ग्रैंड विटारा क्या कहेगी कि मैं ये गाड़ी तुम्हें 17 लाख की परसेप्शन है तुम्हारी, तुम्हारी जजमेंट कहती है, मैं एज ए कंज्यूमर गया, मैंने कहा वाह क्या गाड़ी है, वाह क्या माइलेज है यार, ये SUV 17-18 लाख मार्केट में जो और गाड़ियां हैं उसके हिसाब से 17-18 लाख का तो बनता है यार, 30 किलोमीटर की माइलेज देगी, अब क्या जान लोगे इसकी। अच्छा, और जैसे ही वो अपनी प्राइस डिस्क्लोज करता है ना, बोला सर 14 लाख। मैं कहता हूँ वाओ, 17 लाख में कहाँ सोच रहा था, मुझे तो 14 लाख में ऑफर हो रही है, मैंने बार्गेन किया 14 लाख, दिल खुश हुआ ना, मेरे 3 लाख रुपये बच गए ना, बोलना मेरे 3 लाख रुपये बच गए ना, 3 लाख रुपए बच गए ना, मैं 17 लाख की सोच रहा था, मेरी वैल्यू की जजमेंट क्या थी, मेरी वर्थ मैंने क्या मानी थी, 17 लाख मिला कितने पे, 14 लाख पे, 3 लाख। पैसे का ना जाना तो आना ही होता है, पैसे का ना जाना तो आना ही होता है, तो पैसे का ना जाना तो आना ही होता है, इसे हम बोलते हैं कस्टमर मार्जिन। कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, वैल्यू वर्थ और प्राइस के बीच में जो डिफरेंट है यही इसकी सेविंग है। जब कस्टमर को यहाँ सेविंग फील होती है ना, 17 लाख की गाड़ी 14 लाख में, कहता खरीद लेते भाई, खरीद लेते, इसके बेसिस पे कंपनी का बढ़ता है मार्केट शेयर, बात समझ लेना, आगे बात करेंगे। और जब मार्केट शेयर बढ़ता है तो मार्केट पोजीशन भी बढ़ती है, बोलो यस सर नो। हम 3 नंबर पे थे, हम 2 नंबर पे आ जाएंगे, हम 2 नंबर पे थे, हम 1 नंबर, कस्टमर खुश तो हमारा मार्केट शेयर अपने आप बढ़ेगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा तो मार्केट में पोजीशन भी, रैंकिंग भी इंप्रूव होएगी, यही खेल है स्ट्रेटजी का, अब ध्यान से सुनना। बट
इस पूरे खेल में जो सबसे पहला फैक्टर था वो क्या था? ये, और दूसरा फैक्टर क्या था? वैल्यू, और तीसरा फैक्टर क्या था? प्राइस नहीं था। काफी बच्चे बोलेंगे सर प्राइस एक फैक्टर था, प्राइस को देख के वो खुश हो गया। ना, कस्टमर प्राइस को देख के कभी खुश नहीं होता, प्राइस तो उसको पे करना है, उसके पॉकेट से जाना हमेशा दुखी होकर पे करता है। कस्टमर ने खुश हुआ, कस्टमर खुश हुआ इस सेविंग को देख करके। कस्टमर मार्जिन जितना ज्यादा मिलेगा, वैल्यू और प्राइस के बीच का गैप जितना ज्यादा होगा, कस्टमर का दिल उतना अच्छा होगा। तरीका क्या है, इसका आर्ट क्या है, स्ट्रेटजी क्या कहती है कि वैल्यू को बढ़ाओ और कॉस्ट को घटाओ। अगर तुमने कॉस्ट को रिड्यूस किया और वैल्यू को बढ़ाया, तुम्हारा काम हो जाएगा। प्राइस तो मार्केट कंपटीशन, मार्केटिंग फोर्सेस वो तय करते हैं। मार्केट में कंपटीशन को देख के हम प्राइस तय करते हैं, इस पर हमारा कंट्रोल बहुत कम है। कितने लोग अग्री करते हैं स्ट्रेटजी क्या कहती है? क्या मानते हो इस बात को कि प्राइसेस आर सेट बाय द मार्केट फोर्सेस, बट द वैल्यू एंड कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस। सो लेट्स वर्क ऑन द वैल्यू एंड कॉस्ट, रेस्ट लेट द मार्केट डिटरमिन। वी आर गोइंग टू बी द विनर इन एनी केस। अब ध्यान से सुनो, कंपनी का मार्जिन भी होगा। कंपनी ने कहा कि कस्टमर तेरे को 3 लाख कमवाया, 5 लाख मैंने भी कमाया। अब ध्यान से सुनो, अब मारुति इस पे कितना कमाएगा? 5 लाख। क्यों? क्योंकि इसने 9 लाख रुपए लगाए, 14 का बेचा है, 5 कमाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये भी शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 5 लाख और ये 3 लाख कहां से आए? ध्यान से सुनना, ये आए यहां से। ध्यान से सुनना जो अब कहने जा रहा हूं, कोई डाउट हो तो पूछना। मैंने क्रिएट करी वैल्यू, इसके लिए इनकर किया कॉस्ट, तो वैल्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आ गई? कुछ लोग इसे बड़ा प्रॉफिट बोल देते हैं बोलचाल की लैंग्वेज में, गलत है, नहीं बोलना आप बोलना प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। डू यू अग्री? बोलो यस और नो। क्या आप एग्री करते हो प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में डिफरेंस है? कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, स्ट्रेटजी यहीं पे है। यस सर, प्रॉफिट का मतलब होता है सिर्फ फर्म का मार्जिन जो प्राइस माइनस कॉस्ट होता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी वैल्यू माइनस कॉस्ट होती है। अगर हम वैल्यू को घटाते हैं, वैल्यू को बढ़ाते हैं और कॉस्ट को घटाते हैं, तो बट ऑब्वियस है कि हमारी ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है इस केस के अंदर? 17 - 9 = 8 लाख। 8 लाख की प्रॉफिटेबिलिटी थी, आपने इसमें से क्या किया? 3 लाख कस्टमर को दे दिया और 5 लाख अपनी कंपनी के लिए बचा लिया। मतलब एक्सटर्नल इंटरनल दोनों कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश की। बोलो यस और नो। कंज्यूमर को, कस्टमर को 3 लाख का प्रॉफिट दिया, वो हैप्पी, अपने लिए 5 लाख बचा लिया, खुद भी हैप्पी, दोनों के लिए वैल्यू, दोनों के लिए आपने कुछ ना कुछ क्रिएट कर दिया। कहां से बंटवारा हुआ? ये बंटवारा ही हुआ हमारे प्रॉफिटेबिलिटी से। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है या प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है? बोलो, स्ट्रेटजी क्या कहती है, प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है? सारे बच्चे बताएंगे, सारे सेंटर बताएंगे। विन विन सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी थी। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी को बड़ा होना, प्रॉफिट को नहीं। ऐसे लग रहा अकाउंट्स और FM की क्लास चल रही है, कोई बात नहीं, स्ट्रेटजी वहीं से पैदा होती है। हर एक सब्जेक्ट तुम CA इंटर और फाइनल में पढ़ोगे, उसके पीछे स्ट्रेटजी लगती है। जब इंडस्ट्री में जाते हो उसका इम्प्लीमेंटेशन, तो मैं आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन सिखा रहा हूँ। इसलिए आपको कभी कभी इल्यूजन होगा कि सर पता नहीं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं या फाइनेंस पढ़ा रहे हैं या कॉस्टिंग पढ़ा रहे हैं, चाहते क्या है हमसे? तो थोड़ा दिल को तसल्ली देना, जो भी पढ़ा रहे हैं आपके सिलेबस से ही पढ़ा रहे हैं। वेट करना, कंक्लूजन ड्रॉ होते होते सब पता चल जाएगा क्या कर रहे थे। तो प्रॉफिटेबिलिटी, अब एक बार फिर से दिल पे हाथ रख के बताओ कि चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पिलर में क्या है? कस्टमर, फर्म मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी? सर प्रॉफिटेबिलिटी। तो 4 इंपॉर्टेंट बातें हो गई, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी होगी तो कंपनी को भी पैसा आएगा और कस्टमर का भी सेविंग होगा। 4 इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस पिलर के अंदर, कॉस्ट वैल्यू, ध्यान से सुनना, कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिटेबिलिटी एंड देन कस्टमर मार्जिन। इसी के बेसिस पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इसी के बेसिस पे ग्रैंड विटारा ब्रिजा विन विन सिचुएशन में पहुंचेगा, सक्सेसफुल होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करेगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। ये तो ग्रैंड विटारा की सिचुएशन है, इसने तो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाई और सब कुछ इन प्लेस कर दिया, क्लियर। लेकिन क्या होता है, अब तैयारी तुम ही थोड़ी हो यार निशांत, जो तुम अकेले तैयारी कर रहे हो एग्जाम के लिए, ऐसा थोड़ी है, तुम्हारे जैसे तो लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तुमने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, तुम भी खूब सारा कॉस्ट इनकर कर रहे हो, तुम भी बहुत सारा टाइम लगा रहे हो, वैल्यू क्रिएट कर रहे हो,
तुम भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बैंड को बहुत बड़ा बना रहे हो, तुम भी कस्टमर मार्जिन दे रहे हो, फर्म के लिए प्रॉफिट कमा रहे हो, प्राइस कॉम्पिटिटिव सेट कर रहे हो, तुम तो अपना बेस्ट कर रहे हो, तुम तो अपनी स्ट्रेटजी लगा रहे हो, लेकिन बाकियों ने हाथ पे हाथ धर के कोई सो थोड़ी रहे तकिया नीचे डाल के। ऐसा नहीं है, बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन तो फेस करना पड़ेगा भाई। बिजनेसेस आर बोर्न टू कम्पीट, क्या बोला मैंने, बिजनेस वही है जो बोर्न हुआ है, पैदा हुआ है कंपीट करने के लिए, जो कंपीट नहीं करता वो बिजनेस नहीं है। बिजनेसेस आर बोर्न टू कंपीट। तो भाई ऐसा है, ग्रैंड विटारा की कोई मोनोपोली थोड़ी ही है, कोई चच्चा ने थोड़ा ही बोला है कि ये मार्केट में इस सेगमेंट में सिर्फ तेरा कार आएगा और किसी का नहीं आएगा, और भी आएंगे। नजर बदले, नजारे बदले, देखो भाई हाई राइडर भी आ गया, उसने बोला कोई बात नहीं कोलेबरेशन से बनाया, लेकिन मार्केट में तो हम दोनों उतरेंगे ना, और मार्केट में तो अपने अपने ब्रांड के साथ और अपने अपने स्पेसिफिकेशन के साथ उतर सकते, इंजन कॉमन है ना, बाकी चीजें ग्राउंड क्लियरेंस से लेकर के बाकी चीजें तो हम दोनों की अलग अलग होंगी, अपनी अपनी प्रेजेंस होगी, जिसमें जितना है दम बेच लो भाई, तो मना किसने किया, बेच लो। आ गए भाई हाई राइडर वाले भैया, अब हाई राइडर वाले भैया बोलेगा ऐसा है विटारा, तूने तो अपना डांस दिखा दिया, तुझे जितना दम था तूने दिखा दिया, अब मैं दिखाता हूं, अब देख काउंट कर एक एक करके, मेरा भी, मेरे फीचर भी देख, मैं 2022 का मॉडल दूंगा, आप ये देखो अपनी वैल्यू बता रहा है, और इस वैल्यू को क्रिएट करने के लिए हाई राइडर ने भी कॉस्ट इनकर किया होगा। मित्रों बोलिए यस सर नो, किया होगा कि नहीं किया होगा, यस सर किया होगा। इसने बोला सर ऐसा है 2022 का मॉडल लॉन्च कर देते हैं, भाई जवाब देते रहे, आप बोलते रहोगे मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, आप बोलना बंद हो जाओगे मेरी भी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। ये स्पेसिफिक बैच है, सिर्फ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का है, कुछ सेलेक्टिव बच्चे कुछ सेलेक्टिव सेंटर कर रहे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आप मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर आप हिम्मत नहीं बढ़ाओगे, आप अगर बहुत ही डल जवाब दोगे तो मज़ा नहीं आएगा यार, फिर तो लाइव क्लास टीचर को ना एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी बच्चे देते हैं, और मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे खजाने में इतना ज़्यादा है, मेरा पिटारा बहुत है बड़ा है, क्योंकि मैं दिन भर रिसर्च करता हूँ और एक बैच लेता हूँ सिर्फ, मैं दिन भर टीचिंग नहीं करता हूँ, मेरे बारे में जितने बच्चे जानते हैं, मैं ऐसा नहीं होता कि दिन भर क्लासेस में ही, हाँ एक क्लास खत्म हुई दूसरी चालू, दूसरा शुरू हुआ तीसरी चालू, अपने को नोट ऐसे नहीं छापना, अपने को ऊपर वाला दे देता है नोट जितने चाहिए, लेकिन ईमानदारी से देता है, तो इसलिए ना खूब दिल लगा के उधर से सपोर्ट कर रहा, देखो मैं तुम्हें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मास्टर बनाता हूँ, और याद रखना 21st सेंचुरी का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड सिस्टम EIS पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, अगर जितनी अच्छी कमांड होगी आप उतना जबरदस्त इंडस्ट्री में जा करके पैसे छापोगे, सही बात बोल रहा हूँ, नोट छापोगे नोट, पैसे गिन नहीं पाओगे तुम, क्योंकि अभी ज़्यादातर CA जो बन रहे हैं आज की डेट में वो इन दोनों एरियाज में बहुत वीक है, और इंडस्ट्री को सबसे पहले ये चाहिए, उसके बाद आपके बाकी स्किल्स चाहिए, पाइपलाइन पहले तैयार करता है ना कोई भी, तो प्लीज जस्ट मोमेंटम बनाए रखना, उत्साह बढ़ा, वो होता है ना जब ऑडियंस ताली बजाती है उधर से थोड़ा शूटिंग करती है तो प्लेयर भी छक्का मारता है, छक्के पे छक्का मारता है, और बॉलर भी बहुत तेज बॉल निकालता है, वही हालत हमारी होती है। यस थैंक यू, अब आ जाओ। तो सर ये हाई राइडर कहता है, ये नया केस है, एकदम अभी ताजा ताजा बनाया है, इसीलिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डाल के पढ़ा रहा हूँ। कहता मैं भी मल्टीपल फीचर दूंगा, मेरे इंटीरियर एक्सटीरियर डायमेंशन फ्यूल एफिशिएंसी सस्पेंशन सब टोयोटा टाइप होगा। किसके टाइप होगा? मारुति टाइप नहीं होगा, अपना टोयोटा टाइप होगा। देखा ना इनोवा में, कैमरी में, फॉर्च्यूनर में मजे लिए थे ना, कैसे मच चलते हो। हाँ सर बहुत मजा आता है उन गाड़ियों में, हाई राइडर में भी आएगा, मजे लो, हमारी कंपनी की बात ही अलग है। बोले अच्छा, तो यहाँ वैल्यू प्लस में डिलीवर कर रहा है, प्लस में डिलीवर कर रहा है, उसकी तुलना में, ध्यान से सुनना, विटारा की तुलना में, ग्रैंड विटारा के कंपैरिजन में टोयोटा कह रहा है हम ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा SUV सेगमेंट में मास्टरी है, हम बाप है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, इंजन की कोलेबरेशन है, इंजन भी हमने दिया है उनको भाई को, वो तो कोलेबरेशन था मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, उसके लिए उन्होंने रॉयल्टी दी है, बाकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया उसके भी मोटे पैसे लिए हैं। अरे हम टोयोटा है, जापान की नंबर 1 कंपनी है, दुनिया की 1 of the best कंपनी है ना, हम ऐसे नहीं है, हमने 1962 में जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया था जब दुनिया सोच भी नहीं रही थी, हमने 6 सिग्मा तब लगाया था जब लोगों ने सोचा भी नहीं था, बात समझ में आ रही है क्या? अरे हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे उस जमाने में काम करते थे जब लोग सोचते भी नहीं थे, वी आर द बेस्ट इन ऑटोमोबाइल, जापानीज आर द बेस्ट एंड आई एम नंबर 1 कंपनी ऑफ जापान, यू विल हैव टू ट्रस्ट ऑन मी। बोला अच्छा ऐसी बात, इतनी बड़ी बड़ी बातें। बोला इंजन एंड ट्रांसमिशन तो कॉमन है बट मेटल मिक्स 68% है। बोलो वैल्यू की जजमेंट प्लस हुई क्या?
कस्टमर की जजमेंट ज्यादा होगी क्या, इस कंपनी को ज्यादा करके आकेगा क्या, इसकी अकाउंटिंग एनालिसिस करेगा तो उसको 17 लाख की जगह 18, 19, 20, 22 पे जाकर के इसको कैलकुलेट करेगा क्या। यस सर, क्या बात, 20% ज्यादा। चेतन चिराग एकदम कैलकुलेटर लेके बैठा है, वेरी गुड, दिस इज एन एटीट्यूड, दैट्स ग्रेट। अभी सर वो 2 साल की मेंटेनेंस दे रहे थे, मेंटेनेंस की गारंटी दे रहे थे, सर ये कहता 3+4 ईयर्स एक्सटेंडेड वारंटी दूंगा। अब देखो भाई स्कोर कर दिया ना यहाँ पे, अब लगे हुए थे टुक 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 टुक, सिंगल सिंगल सिंगल, पांडे आया दे छक्के पे छक्का, दे छक्के पे छक्का है। अब यहाँ से शुरू हो गया, इंजन वही है, छक्का हम मार रहे हैं, बात खत्म, तुम प्रेशर में खेलते रहो, टुक 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 टुक, ठीक है। अब भाई देखो इसने यहाँ पे फिर स्कोर किया, इसने कहा 8 ईयर्स की हम बैटरी वारंटी देंगे, हम दोनों कॉमन देते हैं, यहाँ कोई बात नहीं, बराबर बराबर टाई हो गया मैच। इसने बोला EM60, बोला भाई वो भाई के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, EM60 जैसा कुछ भी नहीं है मारुति के पास, बोला यहाँ फिर स्कोर किया हमने, ब्रांड प्रेजेंस हमारी अच्छी है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे हम काम करते हैं, मतलब वर्थ के मामले में वैल्यू की जजमेंट, फीचर क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के मामले में टोयोटा ने कहा हम बाप है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो बेटा ऐसा है हमारे पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, बोलो यस और नो, इतने सारे एडवांटेज है हमारे पास। टोयोटा ने सेम गाड़ी के ऊपर मारुति के ऊपर एडवांटेज कैसे स्कोर कर दिया, और देखो स्ट्रेटजी के टीचर ने क्यों ये बुक किया, इसीलिए किया, ये सब चीज है, ये देखो केस स्टडी है, ये स्टडी बनाई मैंने, मैं गाड़ी खरीदने जा रहा था, देखो हम लोग कोई काम करते हैं ना उसका पेपर वर्क भी साथ में करते हैं, हमें स्ट्रेटजी पढ़ानी होती है, हमने कहा यार हम गाड़ी खरीदने वाले ऐसा करते हैं इस पे केस भी बना लेते बच्चों के लिए, ऐसी सोच तुम्हें भी डेवलप करनी है, एक पन दो काज, सांप मरे लाठी भी ना टूटे, समझ में आ गई बात, एफिशिएंसी बोलते हैं इसको, मल्टी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बोलते हैं, मल्टी टास्किंग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। आगे देखो, अब देखो आ जाओ आप कैलकुलेशन पे आ जाओ, मतलब जो भी था थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं था, इसका प्रैक्टिकल आस्पेक्ट पे आ जाओ। अब भाई हाई राइडर वाले भैया ने कहा मित्रों हमने गाड़ी बनाई, अब भाई ऐसा है हमने ज़्यादा वैल्यू की गाड़ी बनाई, ज़्यादा फीचर वाली गाड़ी, ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी बनाई, लेकिन हमारे मारुति वाले भैया 8-9 लाख में बना रहे थे, उनकी कॉस्ट 9 लाख थी, हमारी 8 लाख है। बोला लोगों ने भाई ये कमाल कैसे किया, बोला ये कमाल इसलिए किया क्योंकि हम टोयोटा है, हमारा लर्निंग कर्व एक्सपीरियंस कर बड़ा है, हमारा इकोनॉमी जब स्केल बड़ा है, ध्यान से सुनना, कॉस्ट पे हमारा कॉस्ट कंट्रोल बेहतर है, हम JIT फॉलो करते हैं, समझ में आ रही है क्या, हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, हमारे यहाँ 6 सिग्मा है, हमारे यहाँ एरर एंड डिफेक्ट्स पे काम करने के प्रोसेसेस बेहतर है, हम इम्प्रूव्ड बिजनेस प्रोसेसेस पे काम करते हैं, इसीलिए उसी काम को जो दुनिया 9 लाख की बनाती है हम 8 लाख की बना सकते हैं, इसीलिए तो हम टोयोटा है। तो कॉस्ट का कम होना, ध्यान से सुनना, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट इज एन एडवांटेज और नॉट। तुम कॉस्ट अकाउंटिंग, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्यों पढ़ते हो मित्रों? हाँ, इससे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी पीयूष, थैंक यू सो मच, दैट्स कूल। कॉस्ट का मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, माइकल पॉटर का वैल्यू चेन एनालिसिस क्या कहता है, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू, यही तो कहता है, क्योंकि ये करने से तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो विन विन सिचुएशन होती है, ध्यान से सुनो। अब क्या हुआ सर, कॉस्ट को घटाया, ये अपने आप में एडवांटेज है, इसी के लिए तो सर हम पूरी कॉस्टिंग की टेक्निक लगाते हैं, वेल एंड गुड। अच्छा सर 8 लाख में जो गाड़ी बनाई, अभी आपने देखा ना हमारे फीचर्स इतने सारे लिस्ट किए, सर कस्टमर कहता है अरे नहीं यार ये 17 लाख वाली गाड़ी नहीं है, चाहे टेक्नोलॉजी सेम हो, इसकी तो मैं वैल्यू ना, इसकी जजमेंट तो मैं 18 लाख पे करूँगा। तो बेटा ऐसा है, जब कस्टमर 18 लाख पे इसकी जजमेंट करेगा, और कॉम्पीट करने के लिए मैं भी 14 पे ही बेचूंगा, क्यों मौका दूं मैं बिटारा को, मार्केट तो भाई प्राइस तार सेट बाय द मार्केट फोर्सेस, इस पे तो अपना कुछ नहीं है, अपन तो कम्पीट करने जा रहे हैं। हम काम कहाँ कर सकते थे, हम 2 जगह पे वर्क कर सकते थे मित्रों, ध्यान से सुनिएगा, एक तो कॉस्ट पे काम करते थे, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू। यहां पे काम करना तो हमारे सिस्टम के बस का है ना, यहां तो हमारे कंट्रोल में है ना, यहां तो हमारी स्ट्रेटजी लगेगी ना, बोलिए यस और नो। तो इस कंपनी ने क्या किया, अपनी स्ट्रेटजी लगाई, कॉस्ट को मिनिमाइज किया, वैल्यू को मैक्सिमाइज किया, और विटारा के ऊपर स्कोर कर दिया क्या। क्या ये इसका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है क्या, CA है क्या, क्या इसका अपने राइवल के अगेंस्ट में एडवांटेज है क्या, इसी को तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं, बट ऐसे कैलकुलेट होती है। अच्छा जी जब ऐसा किया तो सर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बैंड भी बड़ी होगी। अब प्रॉफिटेबिलिटी कितने की हो गई सर, 18 - 8 = 10 लाख।
इस 10 लाख में बोला जा सिमरन जिले अपनी जिंदगी, तेरे को 4 लाख देता हूं। विटारा कितने का दिया? विटारा ने मार्जिन कितने का दिया? विटारा ने मार्जिन कितने का दिया? 3 लाख का। टोयोटा ने कितने का मार्जिन दिया मुझे एज ए कस्टमर? पैसे का ना जाना तो आना ही होता है, 4 लाख मित्रों। तो मैं 4 लाख वाले को लूंगा कि 3 लाख वाले को लूंगा? मैं 4 लाख वाले की तरफ जाऊंगा। बताओ इस कंपनी का मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन में बढ़ा दूंगा कि नहीं बढ़ा दूंगा? यस सर, आप इसको भर भर के पैसे देके आओ और आपके जैसे हजारों लोग इसको भर भर के पैसे देके आएंगे, ठीक है? क्योंकि इस कंपनी ने ज्यादा वैल्यू क्रिएट करी और ज्यादा बड़ा कस्टमर मार्जिन दिया। कस्टमर खुश तो कंपनी खुश। अब ध्यान से सुनो, ये भी हो गया। और देखो एक और चीज, यहां भी एडवांटेज है, यहां भी एडवांटेज है, एडवांटेज ही एडवांटेज स्कोर कर रहा है। देख लो भाई, टोयोटा का हाई राइडर, दिस इज द आर्ट, दिस इज स्ट्रेटजी, दिस इज हाउ वी डू दिस, दिस इज नॉट दैट वी जस्ट इमेजिन एंड इट हैपेंस, दिस इज हाउ वी डू दिस, ओके? अब देखो यहां पे इसको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। पिछली वाली कंपनी को कितना प्रॉफिट था? विटारा को एक हाई राइडर, एक विटारा, ग्रैंड विटारा बेचने पे कितने का प्रॉफिट हो रहा था? 5 लाख का। इसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 6 लाख का, प्लस 1 लाख ज्यादा है ना, ये भी एडवांटेज है ना। बोलो भाई, टोयोटा कैश रिच कंपनी होगी ना, इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करेगी ना। 1 लाख रुपया एक गाड़ी पे ज्यादा कमा रहा है, दाम में हो कम और काम में हो दम, इसी प्रिंसिपल पे, यही है स्ट्रैटेजी। तो अभी क्या मिला अल्टीमेटली, क्या है? मैं कह सकता था ना कि हाई राइडर हैज एन एडवांटेज ओवर ग्रैंड विटारा while competing in the market, if one company gets an edge over the rival, that is called competitive advantage, that is called competitive advantage. And strategy kya kehti hai? Strategy yahi kehti hai, achieve competitive advantage. But how? Is there any possibility? Kya bina value create kiye hue aap competitive advantage gain kar sakte ho? Bolo. Jitni zyada value karoge create, the more value we create, the more competitive advantage we gain. The more cost we reduce and control, the more competitive advantage we gain. This is what strategy is. Broadly, आप देखो इसका summary दे देता हूँ। ये दोनों कंपनियों का comparison कर लो, जो भी अब तक पढ़ा उसका summary दे देता हूँ आपको। Summary देखो ध्यान से। Bayes model, multiple feature, कोई बात नहीं। Dimension 4345, 4365, सीधी सी बात है, यहाँ पे advantage। सस्पेंशन चलो भाई ठीक है, मान लेते हैं टोयोटा का बेहतर ही होगा, खराब नहीं होगा। मेटल 48% 68% एडवांटेज। सर 2 ईयर्स एक्सटेंडेड वारंटी 40 एंड 4 ईयर्स तक 80,000 तक का वारंटी। यहाँ सर 3 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी 1 लाख प्लस 7 ईयर तक का 2,20,000 पे एडवांटेज। कस्टमर इधर भागेगा, उधर नहीं जाएगा, यहाँ पे उसको गेन ही गेन है। उसके बाद 8 ईयर्स बैटरी वारंटी 8 ईयर्स। यहां बैटरी की वारंटी अभी तक अप्लीकेबल नहीं है, कुछ भी क्लियरिफाई नहीं किया है मारुति ने, ठीक है? नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया। 8 ईयर्स बैटरी वारंटी है, यहां भी 8 ईयर्स बैटरी वारंटी है, ये ठीक है, यहां पे कोई इश्यू नहीं है। EM60 यहां पे अवेलेबल नहीं है, यहां पे अवेलेबल है, यहां भी एडवांटेज। रोड साइड असिस्टेंट 3 साल तक अवेलेबल है, यहां पे कोई ऐसा मारुति में कुछ भी ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ ब्रांड प्रेजेंस एंड TQM सब मिला करके हाई राइडर हैज एन एज ओवर द राइवल कंपनी कॉल्ड विटारा। दैट्स इट, दिस इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ब्रीफली मैं इसको सम अप करता हूं, कंक्लूड करता हूं। 2-3 टर्म जो आपको अभी सिखाए मैंने, नोट डाउन करो, यहां पे 2-3 नोट्स लो आप, इंपॉर्टेंट नोट्स, पूरे सिलेबस में याद रखोगे। अपार्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग के अलग हटके, देखो एक वर्ड यूज किया हमने, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दिस इज एन एज ओवर द राइवल्स व्हाइल कंपीटिंग, ठीक है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन एज ओवर द राइवल्स वाइल कंपीटिंग, इसको शॉर्ट में CA यूज करेंगे, CA बोलेंगे बार बार पूरे सिलेबस के अंदर। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज अचीव्ड ड्यू टू द यूनिक फीचर्स that the company creates against
इट्स राइवल्स, राइवल्स ये बार बार एलईएस क्यों, राइवल्स ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब सिंपल सी बात है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कुछ यूनिक फीचर की वजह से हम गेन करते। टोयोटा हाई राइडर ने कुछ यूनिक फीचर इंट्रोड्यूस किए जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। कुछ और पॉइंट्स जो कंक्लूजन में था, द मोर कॉस्ट अ कंपनी reduces or controls against its rivals, the more competitive advantage it gains। सब कंक्लूजन है। कल को इसी पे इंस्टीट्यूट क्या करेगा, एक कोई भी सेंटेंस उठाएगा, क्वेश्चन सेट कर देगा, पूछेगा जस्टिफाई करो, एक्सप्लेन करो। तो जो भी केस बताया यहां पे सारे फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने मौजूद है विद एग्जांपल, आप इन बातों को यहां से विद रीजनिंग प्रूव कर सकते हो। इसलिए इस अप्रोच से मैंने आपको ये टॉपिक कराया। और चलते एक लास्ट कंक्लूजन देता हूं इस टॉपिक के बारे में। द मोर वैल्यू and profitability band a company creates, the more competitive advantage it gains, while competing। ये सारी बातें while competing होंगी, competing के पहले या बाद में नहीं होंगी। जब तक आप कंपीट नहीं करते आप बिजनेस नहीं, जब तक आप बिजनेस नहीं जब तक आप वैल्यू नहीं क्रिएट करते। और जैसे जितनी ज़्यादा यूनिक फीचर आप क्रिएट करते जाओगे और उसी के हिसाब से आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू, मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी बैंड, एंड अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेन एडवांटेज ओवर राइवल्स वाइल कंपीटिंग। एग्जाम्पल आपके सामने है विटारा ब्रिजा एंड टोयोटा, सेम प्लेटफॉर्म पर बनी हुई दो गाड़ियों का कंपेरिजन। अब आप डिसाइड कर सकते हो विच वन टू चूज एज अ कस्टमर। ऑफ कोर्स यू विल गो फॉर हाई राइडर बिकॉज दैट एन एज ओवर द राइवल विटारा, ग्रैंड विटारा। दैट्स द कंक्लूजन। एंड व्हाट इज द स्ट्रेटजी नाउ? ये केस समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं कुछ ज्यादा एग्जांपल्स के साथ सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। यस थैंक यू, आ जाओ। अब कोई भी पूछेगा सर इसमें स्ट्रेटजी क्या है, इससे स्ट्रेटजी की डेफिनेशन क्या निकली, ध्यान से सुनो। विटारा, ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाई राइडर, ये दोनों टोयोटा एंड सुजुकी ने मिलकर के एक आइडिया पे काम किया होगा। बोले मित्रों यस और नो, अब आपको डेफिनेशन दे रहा हूं। एक आइडिया पे काम किया होगा, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का एक प्रोडक्ट लेके आते हैं जो एसयूवी सेगमेंट में रूलिंग जो गाड़ियां हैं, क्रेटा है या जो दूसरी सेल्टॉस और एमजी हेक्टर और एस्टर जैसी गाड़ियां हैं, नेक्सॉन और हाई राइडर और अपनी हैरियर जैसी गाड़ियां हैं, टाटा की, इन सबको हमें बीट करना है और इस सेगमेंट में अपनी मोनोपोली लेके आनी है वापस से। कस्टमर के माइंड को रीड किया होगा, देखा होगा कि कस्टमर को क्या चाहिए। कस्टमर को चाहिए फ्यूल इकोनॉमी वाली एक एसयूवी जो अभी तक अवेलेबल नहीं है मार्केट में। एसयूवी का मतलब होता है तेल ज़्यादा पीने वाली है ये, ठीक है। इन्होंने क्या किया, देखा, डिसाइड किया, टॉप मैनेजमेंट ने सुजुकी के और टोयोटा ने डिसाइड किया होगा, एक स्ट्रेटजिक अलायंस क्रिएट किया होगा और दोनों को ये समझ में आया होगा कि अगर हम दोनों अलायंस के पार्टनर की तरह जाते हैं आगे तो हमें एक एडवांटेज है क्योंकि मेरे पास हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है और सुजुकी का अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। दोनों मिलाकर के कहीं ना कहीं हम कॉस्ट इफेक्टिव एसयूवी बना सकते हैं जो अच्छा माइलेज देगी और मार्केट में अच्छा धमाका करेगी और बहुत बड़ा मार्केट शेयर, मार्केट पोजीशन हम गेन कर सकते हैं। यस, हम अपना अपना माल बेच के अपना अपना प्रॉफिट कमा लेंगे। तो आइडियाज और उसके हिसाब से प्लान तैयार किया होगा। बहुत सारे लोग कहते थे स्ट्रेटजी मींस प्लानिंग, रॉन्ग। अभी ध्यान से सुनना, आइडियाज एंड प्लान्स तैयार हो गए। अब आपके पास प्लान है लेकिन आपको क्या प्लान विदाउट इंप्लीमेंटेशन कुछ होने वाला है? बोलो यस सर नो। कहते हैं ना, एक बहुत बड़े ऑथर ने लिखा प्लान विदाउट एक्शन इज इक्वल टू एबॉर्शन। प्लान लिया, एक्शन नहीं लिया तो क्या हुआ, आपका वो सारा चीज अबॉर्ट कर गया, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। स्ट्रेटजी कितनी अच्छी हो अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो फेलियर होगा, सीधी सी बात है।
तो उसके बाद क्या होगा? एक्शन। अच्छा, जब हम उसको एक्शन लेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, कार बनाएंगे, तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, कॉस्ट इनकर करना होगा वैल्यू क्रिएट करने के लिए। बोलो यस सर नो। तो यू नीड रिसोर्सेज, आइडियाज, प्लान्स, एक्शन एंड सपोर्ट ऑफ रिसोर्सेज। एंड आपने ये सब चीजें क्यों करी? क्योंकि जब मैं मार्केट में जाऊं, कंपीट करूं, तो जितनी भी गाड़ियां हैं मार्केट की सबको आउट क्लास कर दूं। क्या टोयोटा का, क्या वो क्रेटा, क्या वो सेल्टॉस, क्या वो एमजी हेक्टर, क्या वो एमजी एस्टर, ये वो जितनी उस सेगमेंट में नेक्सॉन से लेकर के हैरियर तक सब गाड़ियों को पछाड़ते हुए हमारी विटारा, ग्रैंड विटारा और टोयोटा आगे निकल जाए। आगे निकल गए, इसी को स्ट्रैटजी बोलते हैं। और फिर इन दोनों में आपस में कॉम्पिटिशन होगा और फिर हाई राइडर बोलेगी कि भाई अब तेरा भी मैं कत्ल करूंगा, अब मैं तेरे से आगे निकलूंगा। यही स्ट्रैटेजी है, अल्टीमेट गोल ऑफ स्ट्रैटेजी इज, ध्यान से देखो, स्ट्रैटेजी इज नथिंग बट, स्ट्रैटेजी रेफर्स टू द आइडियाज जो टॉप मैनेजमेंट के होते हैं, प्लान्स जो टॉप मैनेजमेंट के होते हैं, एक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट टू दैट फर्म्स एम्प्लॉय टू कंपीट सक्सेसफुली अगेंस्ट देयर राइवल्स। अपने राइवल्स के अगेंस्ट में, राइवल्स को बीट करने के लिए हम तैयार करते हैं। एंड इट हेल्प्स द फर्म टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नाउ माय क्वेश्चन इज, पिछले वाले केस में क्या तुमने ऐसा देखा कि हाई राइडर के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था? क्यों था? ध्यान से सुनो, आइडियाज थे, प्लान्स थे, एक्शन थे एंड सपोर्ट थे। विटारा ब्रिजा से बेटर थे, है ना, विटारा ब्रिजा से बेहतर थे। इसने इन सब को इंप्लीमेंट किया टू कंपीट सक्सेसफुली अगेंस्ट इट राइवल्स एंड इट हेल्प्स द फर्म हाई राइडर टोयोटा टू गेन एन एज ओवर द सुजुकी ग्रैंड विटारा। दैट्स व्हाट स्ट्रैटजी इज विद रेफरेंस टू अ केस। क्लियर? स्ट्रैटजी की डेफिनेशन क्लियर है? लॉक करें, आगे बढ़े, दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाएं। बोलो यस सर। सो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं। फिर से बोलो मेरे साथ सारे लोग, स्ट्रैटजी रेफर्स टू द आइडियाज। सिर्फ आइडिया स्ट्रैटजी नहीं है, सिर्फ प्लान स्ट्रैटजी नहीं है। एक्शन के बगैर प्लान एंड आइडिया का कोई मतलब नहीं है। सपोर्ट नहीं होगा तो प्लान, आइडिया एंड एक्शन कंप्लीट ही नहीं हो सकते। और जब हम इनको इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें प्रॉफिट नहीं कमाना, सिर्फ हमें प्रोडक्ट नहीं बनाना, सिर्फ हमें मार्केट में नहीं जाना, सिर्फ हमें सेल नहीं करना, अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर परफॉर्म करना है। इसीलिए मैंने बोला ये मैनेजमेंट नहीं है, ये एडवांस लेवल मैनेजमेंट है, जहां हमें मैनेजमेंट तो पूरी करनी है लेकिन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी गेन करना है। हमें नंबर वन बनना है, हमें अपने राइवल्स को बीट करना है। स्ट्रैटेजी सक्सेस की गारंटी है, फेलियर की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हुई मतलब सक्सेसफुल होंगे आप, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, या देयर इज नो स्कोप फॉर डिसएडवांटेज। गॉट द आइडिया? इसीलिए मॉडर्न बिजनेसेस का भगवान कौन? स्ट्रैटेजी। एंड स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक प्रोसेस से गुजरते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हाउ टू क्रिएट द स्ट्रैटजी, हाउ टू इंप्लीमेंट द स्ट्रैटजी, उसके प्रोसेस को स्ट्रैटजिक मैनेजमेंट कहते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे, इतनी छोटी वर्ड नहीं है, बहुत अच्छे से समझेंगे। स्ट्रैटजी एंड स्ट्रैटजिक मैनेजमेंट समझ में आ गया? स्ट्रैटजी एंड स्ट्रैटजिक मैनेजमेंट समझ में आ गया? मैनेजमेंट मतलब स्ट्रैटजी को कैसे बनाए, कैसे इंप्लीमेंट करे कंपनियों ने, टोयोटा हाई राइडर इसको कैसे इंप्लीमेंट करे मार्केट में जाए, ताकि जो ओम त्रिवेदी कह रहा है कि ये नंबर वन बन जाएगी, बन जाए। तो कहा हमने, तब हम कहेंगे कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट सक्सेसफुल हुई, इसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला। अभी देख के लग रहा है कि इसके पास स्ट्रेटजी है, बट स्ट्रेटजी कितनी अच्छी इंप्लीमेंट होगी। हो सकता है इसके कोई और कॉम्पिटिटर आ जाए, हो सकता है ये 28 की माइलेज दे, कोई 29, 30, 31, 32 की माइलेज देने वाला दूसरी कंपनी आ जाए, फिर टोयोटा क्या करेगी? फिर देखेंगे किसकी स्ट्रेटजी में ज्यादा दम है। जब मुर्गे लड़ाएंगे तो पता चलेगा ना, जिसके पास स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की बेहतर कैपेबिलिटी होगी वो विनर होगा। रिसेशन हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके पास स्ट्रैटजी है वो आगे जाएगा। ठीक है, बात खत्म, लॉक करें। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। यार बच्चों को ये बात समझनी पड़ेगी, ध्यान से सुनो, कि यार स्ट्रैटजी इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, ये कारें बनाते कैसे हैं, ये कॉस्ट इनकर कैसे होती है, कॉस्ट घटती कैसे है, बढ़ती कैसे है, वैल्यू कैसे क्रिएट होती है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे क्रिएट होती है, इसके पीछे कोई तो काम करता होगा। क्या काम करता होगा? वो कौन से एलिमेंट है जो इसके पीछे वर्क करते हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है? किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, जरा बोलो, जरा सोच के बोलो। किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस के डिफरेंट प्रोसेसेस को, उसकी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है? कुछ गेस करो, क्या चाहिए होता है, कुछ गेस करो।
एकदम बिजनेसमैन की तरह सोचो, टॉप मैनेजमेंट गाय की तरह सोचो। तुम्हें बोला है कि स्ट्रैटेजी एक हाई राइडर जैसी कार बनानी है और बना के मार्केट में बेस्ट कार प्रेजेंट करनी और सारे कॉम्पिटिटर के छक्के छुड़ा देने। सोचना तो अच्छा लग रहा है। हाँ सर, कर सकते हैं सर, कौन करेगा? ध्यान से सुनो, हर बिजनेस के पास एक बिजनेस सिस्टम होता है। क्या वर्ड यूज किया मैंने बोलो? टर्म दे रहा हूं, आज के क्लास में सारे टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा। हर कंपनी के पास एक बिजनेस सिस्टम होता है, आपने पहले भी देखा है, जस्ट मैं उसका ओवरव्यू देता हूं। एक बिजनेस सिस्टम होता है जो किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करता है। सिस्टम सेट ऑफ रूल्स दैट एग्जीक्यूट्स द टास्क असाइन्ड बाय बिजनेस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ मैन मशीन कंप्यूटर एंड अदर रिसोर्सेस। वो कैसा होता है, बस एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं। ये देखो, आइडिया से कोई भी बिजनेस शुरू होता है ना, कोई भी बिजनेसमैन शुरू करता है, ओनर शुरू करता है, प्रोमोटर शुरू करता है, उसके पीछे एक आइडिया होता है, ठीक है ना। आइडिया सेल्स, बचपन में पढ़ा होगा। उस आइडिया से इसकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे देखो क्या होता है। मान लो मुझे टाटा टोयोटा हाई राइडर जैसी गाड़ी बनानी है, मैं क्या करूंगा? आइडिया आया होगा, एक फ्यूल एफिशिएंट कार बनाते हैं बॉस, ओके बनाओ जी, किसने रोका है? ऐसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? पहले मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि इसको कौन खरीदेगा, एसयूवी सेगमेंट में कौन लोग खरीदने वाले, क्या टेक्नोलॉजी उनको अपील करेगी। सब कुछ करने के बाद हम प्लांट एंड फैसिलिटी चाहिए, टोयोटा के पास होगी। आरएनडी करेंगे कि हाइब्रिड इंजन कैसे काम करेगा। रुको जरा, आपको वो काम करने का तरीका भी थोड़ा दो मिनट में दिखाऊंगा, जब तक उसको डाउनलोड पे लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आपको दिखाऊंगा, वेट करो, ठीक है। तो होता क्या है, पहले ये डायग्राम देखते, फिर आपको वो भी दिखाता हूँ। थोड़ा रिसर्च किया है मैंने, मंगाया है उसका डायग्राम, ठीक है। ये देखो, मैं मार्केट रिसर्च करता हूँ, प्लांट एंड फैसिलिटी, आरएनडी, पायलट प्रोडक्शन, क्या कंपनियां सीधा लॉन्च कर देती है तुम्हें पता है? ग्रैंड विटारा एंड टोयोटा हाई राइडर, जब मैं आज आपको केस पढ़ा रहा हूं, अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है। तो सर आपको कैसे पता कि उसके क्या फीचर, क्या स्पेसिफिकेशन? ये कार देखो, carwale.com को कैसे पता उसके क्या फीचर, क्या तमाम चीजें? सर पता है उसको कैसे पता है? क्योंकि कंपनी ने क्या किया, आरएनडी करने के बाद पायलट प्रोडक्शन सैंपल बनाए, कुछ 4, 5, 10, 20 गाड़ियां बनाई, अलग अलग शोरूम्स में भेजे, भाई दुनिया को दिखाओ एक ऐसी गाड़ी लेके हमारे, और इस पे बुकिंग्स लो। और क्या हुआ, लोगों को क्या किया, गाड़ी बेचने से पहले कंपनी क्या करती है, आपको देती है ना टेस्ट ड्राइव, उनके बंदे आते हैं ना, पहले वो खुद टेस्ट करते हैं, फिर आपको टेस्ट कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्यों, आपको पता तो चले कार जैसा हम बोल रहे हैं वैसा वैल्यू क्रिएट करती है या नहीं करती है। जब आपको फील होगा कि भाई वैल्यू क्रिएट करती है, फिर मैं आपको प्राइस बताऊंगा और फिर आप उसके लिए पे करने को तैयार हो जाओगे। प्री लॉन्च होते हैं कार्स के, इसीलिए होते हैं, ये प्रोसेस है, ये प्राइमरी प्रोसेस है, आइडिया टू पायलट, प्रोडक्शन टू पायलट टेस्टिंग। तो अभी हाई राइडर का क्या चल रहा है, अभी ग्रैंड विटारा का क्या चल रहा है, पायलट टेस्टिंग चल रही है। बात समझ में आ गई? जो चीजें आप किताबों में पढ़ते हो और जो मार्केट में होता है वो सेम होता है, जो इंडस्ट्री में होता है उसी को आप बुक्स में पढ़ते हो, कुछ अलग नहीं पढ़ते आप, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब कंपनी को लगेगा यस वी आर परफॉर्मिंग एज पर द रिक्वायरमेंट और हमारे पास 2 लाख बुकिंग आ चुकी है। मित्रों पूरी इंडस्ट्री सिखा रहा हूं और इसी में स्ट्रेटजी है, 2 लाख बुकिंग आ चुकी है, तो अब टेंशन शुरू। प्लांट को लगाओ, प्रोक्योरमेंट करो, माल रॉ मटेरियल रिसोर्सेस तमाम तरह के मंगाओ, सारे JIT TQM सब लगाओ, मैन्युफैक्चरिंग करो। बात समझ में आ गई, कॉस्टिंग। अब देखो यहां पे, उसके बाद लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस को इन्वॉल्व करो, कार बनके तैयार है वेयर हाउस में भेजो, गाड़ियों में डालो, वेयर हाउस अलग अलग हमारे शोरूम्स को भेजो, जहां जहां से बुकिंग आई है उनको कस्टमर को डिलीवर करो। सर लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन ऑपरेशंस चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर, सब एक्टिव हो गए। कस्टमर आगे भी सर देखते रहेंगे, हमारे लोग उनसे बात करते रहेंगे, कस्टमर को गाड़ी चाहिए होगी, प्रोडक्ट उनको डिलीवर होगी, लॉजिस्टिक ऑपरेशन की मदद से मार्केटिंग ऑर्डर लेके आएगा और लॉजिस्टिक सप्लाई चेन उनको डिलीवर करेगा। वाओ, कस्टमर को गाड़ी मिलनी चालू हो गई, यही सिस्टम है ना जो काम कर रहा है। अब माल लोगे तो दाम दोगे कि नहीं दोगे? यस सर, आपको पैसे देने पड़ेंगे, 16.5 लाख सर, ऑन रोड प्राइस ऑफ हाई राइडर 16.50S मॉडल ऑटोमेटिक। ओ वाओ, 16.5 लाख लीजिए सर, ले लिया सर, गाड़ी की डिलीवरी लीजिए सर, फोटो क्लिक कराइए सर, सर फोटो भी आ गए मुस्कुराते हुए, है ना, ब्लेजर ब्लूजर डाल के, अरे वाह गाड़ी की डिलीवरी लेने गए हम सर, ग्रेट, हो गया जी, यही सिस्टम काम कर रहा है। उसके बाद सर गाड़ी लेके आए, हमने 1500 किलोमीटर चलाया, उसके बाद हमने कहा सर्विस चाहिए, EM60 दो। तो गए टोयोटा के शोरूम में, हमने बोला EM60 दो। ध्यान से सुनो, उसका लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन फिर से इन्वॉल्व हुआ, वही कस्टमर को उसने सर्विस आफ्टर सेल्स सर्विस दी और मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने आपसे कांटेक्ट किया, सर कैसा लग रहा है, हमारी गाड़ी इंजॉय कर रहे हैं आप, फोन आता है ना, सर आप हमारी सर्विस से खुश हैं या नहीं है, कितनी रेटिंग देंगे? सर बिल्कुल नहीं दूंगा, नहीं नहीं बहुत अच्छा रेटिंग दूंगा, 10 में 10 दूंगा, EM60 सक्सेसफुल।
अब ये सब देखो, ये भी वैल्यू क्रिएट करती है। अगर मेरे को गाड़ी पसंद आई, मेरे को सब कुछ जमा, मेरे को टेस्ट ड्राइव पसंद आया, मेरे को गाड़ी चला के अच्छा लगा, सर्विस अच्छी मिली, मैं अपने 10 दोस्तों को बताऊंगा, सर मार्केटिंग हो रही है, कस्टमर भी मार्केटिंग करता है, सर ये सिस्टम वर्क करता है। यहीं पे आप देख रहे हो, रिसोर्स से लेकर के फिनिश गुड्स, वेयर हाउसिंग, CRM, SCM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सब काम कर रहे हैं, ये सिस्टम है। एंड सर लास्ट में एक सिस्टम और चाहिए होता है, उसका कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब को करने के लिए लोग चाहिए, तो बिना HR डिपार्टमेंट के सर कुछ होता नहीं। समझ में आ गई बात? ये क्या हो गया, ये पूरा बिजनेस सिस्टम है, यही टोयोटा का बिजनेस सिस्टम है। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की होगी, स्ट्रक्चर होगा, और यही हमारी कार बना रहा है, डिलीवर कर रहा है, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, पैसे ला रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी को बांट रहा है। समझ में आ गई बात? बिजनेस सिस्टम। कल को गलती से अगर एग्जाम में शॉर्ट नोट आ जाए, आपके RTP में आया था कि सर व्हाट डू यू मीन बाय अ बिजनेस सिस्टम, तो क्या लिखोगे? डेफिनेशन नोट कर लो, यही है, इसको डिफाइन करना है, बिजनेस सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? आओ, EIS इज ऑल्सो अ सिस्टम, स्ट्रेटजी ऑल्सो, बेस ऑफ स्ट्रेटजी इज ऑल्सो देयर इन द सिस्टम, दिस सिस्टम इज गोइंग टू इंप्लीमेंट स्ट्रेटजी, इजंट इट? आइडियाज, प्लान, सेक्शन, सपोर्ट कहाँ होंगे? इसी सिस्टम के अंदर होंगे ना, तो सिस्टम को तो जानना जरूरी है ना भाई। सर ये सिलेबस में किधर है? अब तो वो इंस्टीट्यूट से पूछना पड़ेगा कि RTP में वो किधर से लेके आए। तो यहाँ पे नोट करो, सिस्टम पहला टर्मिनोलॉजी है, हर जगह है, 3-4 जगह आपके सिलेबस में मेंशनड है, इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, हमारी नज़र नहीं पड़ती क्योंकि हम देखना ही नहीं चाहते उसको। सिस्टम हम बात कर रहे हैं बिजनेस सिस्टम की। इट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल फंक्शंस, प्रोसेसेस, people and other resources of the business at a whole। ठीक है, business system क्या है? अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो तो सारे बिजनेस, सारे उसके प्रोसेसेस, सारे उसके फंक्शंस या तमाम रिसोर्सेस एंड लोग जो इसके अंदर काम कर रहे हैं, मैंने सबको एक प्लेटफॉर्म पे एक बिजनेस के अंदर इंटीग्रेट कर दिया, सब एक दूसरे से मिलजुल के काम कर रहे हैं, पूरा टीम वर्क है। आज का मॉडर्न बिजनेस पूरा टीम वर्क है, हर चीज का इंपैक्ट दूसरे के ऊपर है, इस फ्लो चार्ट को ही हम बिजनेस सिस्टम बोलते हैं। अगर टोयोटा की बात करें, टोयोटा क्या है? टोयोटा इज नथिंग बट अ बिजनेस सिस्टम, ऐसे ही काम करता है, आइडिया से लेकर के HR तक सब मिलके काम करते हैं, तो टोयोटा हाईराइडर बनती है, मार्केट में जाती है, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट होती है, कंपनी पैसे कमाती है, मार्केट शेयर कमाती है, इज्जत कमाती है, गुडविल बनाती है, ब्रांड बनाती है, और टोयोटा टोयोटा हो जाती है, हाईराइडर हाईराइडर हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, नहीं तो कोई नहीं पूछता। तो दिस इज व्हाट सिस्टम इज। एक और डेफिनेशन दूंगा, पहले इसको नोट करो, अब एक और डेफिनेशन लो। बिजनेस सिस्टम इज अ सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, एकदम एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करते, दैट एग्जीक्यूट्स द टास्क असाइंड बाय बिजनेस प्रोसेसेस विद द हेल्प ऑफ। जो भी बिजनेस प्रोसेस, किसी ने बोला कार बनाओ, किसी ने बोला सर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है इसको करो, किसी ने बोला सर इसको इंप्लीमेंट करो, भाई जो भी तुम बताओगे ना मुझे, जो भी SOP, जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP मेरे सामने लाके तुम रख दोगे ना, मैं उसको कर दूंगा। मैं बिजनेस सिस्टम हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही हूँ बिजनेस, मैं ही टोटल एंटरप्राइज हूँ। और इसी बिजनेस सिस्टम के डेटा को हैंडल करने के लिए हम बनाते हैं EIS, Enterprise Information System, BIS, Business Information System, MIS, Management Information System, इसी के लिए बनते हैं ना, different system and subsystems के लिए। सिंपल सी बात है। Business system is a set of rules that executes the task assigned by business process with the help of man, machine
and computer and other resources, man, machine, computer and other resources, छोटे छोटे डेफिनेशंस आपको लिखाता चलूंगा, ये सब काम आएंगी, अभी बेसिक्स है, फंडामेंटल क्लास है, यू नीड टू नो, जस्ट डन इट, करो, वेल डन, आगे चले। नोटेड, चलो जी, वेरी गुड। मैं एक ब्रीफली कंक्लूड करता हूँ, बस मेरे को यस नो करते चलना, जो तक अब तक पढ़ा है। ये सिस्टम बिल्कुल सबको समझ में आ गया, इस तरह से हम किसी भी प्रोडक्ट सर्विस को बनाते हैं, डिलीवर करते हैं, स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हैं, इसी सिस्टम के थ्रू वैल्यू क्रिएट करते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। एक प्रोडक्ट के अंदर कोई भी फीचर, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी डालनी हो तो यही सिस्टम डालने वाला है। वैल्यू क्रिएशन समझ में आ गया, प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द कस्टमर विथ मोर वर्थ। वर्थ का मतलब क्या है? फीचर है, टेक्नोलॉजी है, आफ्टर सेल सर्विस, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, मार्केटिंग, ड्यूरेबिलिटी, सर्विस, एडवर्टीजमेंट, ब्रांड एटसेट्रा। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अभी आपको एक्सप्लेन किया, इट अलाउज अ फर्म टू गेन एन एज ओवर द राइवल्स व्हाइल कम्पीटिंग। क्लियर है? यस। The set of unique features of a company and its product and services perceived by the target market as significant and superior to the others. This is what it is called as competitive advantage. ठीक है, कभी भी इसको नहीं भूलना है, competitive advantage क्या है? I think this is clear to you. एक सेकेंड, थोड़ा सा mismatch हुआ था data का, चलेगा, ठीक है, competitive advantage. अब कुछ examples ध्यान से सुनो। वॉलमार्ट एक कंपनी है, सेल्फ सर्विस रिटेल है, सैम वॉल्टन ने स्टैब्लिश किया। एक छोटे छोटे एग्जाम्पल एग्जाम में आपके काम आएंगे, इसलिए मैं यूज कर रहा हूं। 2008, सबको पता है बहुत पूरी दुनिया में रिसेशन आया, ग्लोबल रिसेशन। लेकिन क्या था, जब पूरी दुनिया की कंपनियां बंद हो रही थी, लोग अपने एम्प्लॉयज निकाल रहे थे, कॉस्ट कटिंग कर रहे थे, ऑपरेशंस बंद कर रहे थे, बिजनेसेस को सेल कर रहे थे, बर्बादी थी पूरी दुनिया में, इन्वेस्टर नहीं मिल रहे थे, उस समय सैम वॉल्टन की वॉलमार्ट कंपनी ग्रो कर रही थी। अब लोग पूछते हैं, जब पूरी दुनिया डाउनफॉल की तरफ जा रही है, कंपनी आगे बढ़ रही है, आखिर इसको इतनी ताकत आती कहां से है? तो कई लोग बोलते हैं, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। अब भाई, सैम वॉल्टन की कंपनी को बूस्ट तो नहीं बचा सकती थी, तो ऑब्वियसली इस कंपनी के सक्सेस के पीछे कोई ना कोई चीज तो थी, जिसका नाम था स्ट्रैटेजी, जिसका नाम था, जिस प्रोसेस का नाम था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसने इस कंपनी को उस रिसेशनरी टाइम, बुरे वक्त में भी मदद करी। यहाँ से एक लाइन निकालूंगा, पहले एग्जांपल को सुनो, आपको दूंगा, पास्ट ईयर में इस पे सवाल आए हैं इसी एग्जांपल पे, ध्यान से सुनना। उस समय भी इस कंपनी की सेल कितनी थी? 374 बिलियन डॉलर, नॉट मिलियन, बिलियन डॉलर। 11,000 स्टोर 15 कंट्रियों में 2018 में थे इसके। 2 मिलियन एम्प्लॉयज, आज इसके 2,300,000 एम्प्लॉयज हैं, मतलब 2 मिलियन से भी ज्यादा हो चुके हैं आज। मैं बात कर रहा हूं 2008 की। इसका आरओआईसी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, उस साल भी 13.5 बिलियन था, जब पूरी दुनिया में रिसेशन था। आप प्रूव कर सकते हो इस बात को कि स्ट्रैटेजी की ये पावर है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया में बिजनेस एनवायरनमेंट उसके अगेंस्ट हो, लेकिन आपके पास अगर स्ट्रैटेजी है, यू नो हाउ टू डील विद दैट एडवर्स सिचुएशन, दैट टर्बुलेंट टाइम। तो रिसेशनरी टाइम्स, टर्बुलेंट टाइम, एडवर्स सिचुएशन में स्ट्रैटेजी आपकी टेस्ट होती है। बोलो यस और नो, बात समझ आ गई? ये एग्जांपल से आप प्रूव कर सकते हो कि रिसेशनरी टाइम में, बुरे वक्त में, स्ट्रेटजी एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट हमें हेल्प करती है, उस गड्ढे से निकाल के बाहर ले आती है। दिस इज स्ट्रेटजी। अच्छा जी, जब पूरे कॉम्पिटिटर थे वो कॉस्टको या टारगेट ग्रुप थे, उनकी आरओआईसी ऐसी थी, तो इसकी कितनी थी? 14.5। देखो इसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं है, इसीलिए हमने कहा, एक छोटा सा आपको यहां पे कंक्लूजन दे रहा हूं, जो आपको नोट करना है और आपको समझना भी है। नोट करो, एक इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये, पूरे सिलेबस में आपको दिखेंगे, अलग अलग जगह पढ़ोगे समझ में नहीं आएंगे क्या चल रहा है। मैंने सबको एक जगह कंपाइल कर दिया फर्स्ट लेक्चर के अंदर। स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रेटेजिक
management helps an organization during recessionary or turbulent times and or ध्यान से सुनना during adverse business environmental situations जब पूरे बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर कुछ आपके अगेंस्ट चल रहा हो, मतलब माइक्रो मैक्रो फैक्टर आपके अगेंस्ट काम कर रहे हो, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहे हो, मार्केट बदल रहा हो, कॉम्पिटिटर बदल रहा हो, टेक्नोलॉजी बदल रही हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल रही हो, डेमोग्राफी चेंज हो रही हो, सोशियो इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बदल रहा हो, उस समय भी अगर कोई आपको उस मुसीबत से, उस बुरे वक्त से बाहर निकाल सकता है, उसका नाम स्ट्रैटेजी है। और एग्जाम्पल यहां पर वॉलमार्ट का है। ये क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट क्या करेगा, यहां से इस सेंटेंस को किसी ना किसी सिनेरियो या केस में डाल देगा। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ये सिचुएशन डाल देगा और आपको बोलेगा जस्टिफाई, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, कुछ भी कर सकता है। यू हैव टू बी रेडी बिकॉज यू नो वॉलमार्ट ने क्या किया था। गेटिंग द आइडिया? मैं आपको सिद्धांत स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की फिलोसफी प्रूव कर रहा हूं, उसके थिन लाइन डिफरेंसेस एक्सप्लेन कर रहा हूं, और साथ ही साथ ये भी बता रहा हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और कैसे बनते हैं। आप ही के मॉड्यूल से बनते हैं, उनके एप्लीकेशन पे बनते हैं, ना कि उसकी रट्टे के बनते हैं। दिस समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस सेशन। नाउ ऐसे ही पूरे सिलेबस को पढ़ने वाले, बात समझ में आएगी, मॉड्यूल भी निकालूंगा, सब कुछ करूंगा, थोड़ा पेशेंस रखना, बेस बनाते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई, नोटेड। आगे चलो, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं मैकडी का, ठीक है, मैकडॉनल्ड का। हां, इसके यूजेस, मैकडी का एक एग्जांपल है, यहीं पे करा रहा हूं, अभी करा रहा हूं, साथ साथ करेंगे अभी बहुत सारी चीजें। आजकल इंस्टीट्यूट यही कर रहा है, यही समझना है। मैकडी सब जानते रहे, हैमबर्गर, चिकन, फ्रेंच फ्राइज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिल्क शेक, सलाद, ये वो ये सब बेचता है इंडिया के अंदर। मतलब सुबह सुबह सर आपने हद कर दी, सुबह सुबह अभी मतलब मूड ही ऑफ हो गया, क्लास करने का दिल नहीं कर रहा, अभी तो बस मन कर रहा है बस ये मिले और हम शुरू हो जाएं। 120 कंट्री में इस कंपनी का विजन क्या है पता है? फीडिंग पीपल अक्रॉस द ग्लोब एट एन अफोर्डेबल प्राइस। वी वॉन्ट टू बी द नंबर वन इन दिस बिजनेस, ये है उसका विजन। वो कहता पूरी दुनिया के अंदर इतने भूखड़ हैं, इतने जंक खाने वाले हैं, इतने मतलब ये सब चीजें उनको दे करके ना, इन सबको मैं खिलाना चाहता हूं अफोर्डेबल प्राइस पे। ये उसका विजन है। इस 120 कंट्री में 37,000 प्लस आउटलेट के साथ ये 2/3 रेवेन्यू इसकी बाहर से आती है और 69 मिलियन कस्टमर एवरी डे। मतलब इतने भूखड़ है दुनिया में जंक फूड के, इतने दीवाने हैं, 69 मिलियन पीपल, 6,90,00,000 लोग यही बने ना रोज इसके 37,000 प्लस आउटलेट्स पे बर्गर निपटाते हैं, आलू टिक्की, मैक आलू टिक्की, ये वो, चिकन, फ्रेंच फ्राइज, हैम बर्गर, एटसेट्रा एटसेट्रा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉफी वगैरह निपटाते हैं। क्या बात है, इसके पास 19 लाख एम्प्लॉइज है इस कंपनी के पास। 2008, फिर याद दिला रहा हूँ, रिसेशनरी टाइम, बुरा वक्त पूरी दुनिया के लिए। इसकी रेवेन्यू 2007 में थी 22.7 बिलियन, और 2008 जब पूरी दुनिया के लिए रिसेशन था, लोगों के स्टोर बंद हो रहे थे, तब भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने 23.5 बिलियन रेवेन्यू कमाई। 2.4 बिलियन से बढ़ के इसका प्रॉफिट, इसका इनकम 4.3 बिलियन हो गया 2008 में। क्या रिसेशन इसके लिए नहीं था? 60 मिलियन नए कस्टमर मिले, 650 नए आउटलेट बनाए, क्या इसके लिए रिसेशन नहीं था? सर इसके पास रिसेशन तो था दुनिया में, लेकिन इसके पास स्ट्रैटेजी थी। सैम वॉल्टन से किसी ने पूछा 2008 में कि पूरी दुनिया में रिसेशन है, आपका क्या कहना है? सैम वॉल्टन ने कहा, आई हैव नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिसेशन बिकॉज आई हैव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन प्लेस, आई हैव गुड स्ट्रेटेजी इन प्लेस, सो आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन सो कॉल्ड रिसेशन। बात खत्म। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो
स्ट्रेटेजिकली चलते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट्स के थ्रू चलते हैं, उनको रिसेशन क्या दुनिया का कोई भी टर्बुलेंट सिचुएशन उनको हिला नहीं सकता, वो विनर रहते हैं, विनर थे, विनर हैं, विनर रहेंगे। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लड्डू था, लड्डू है, लड्डू रहेगा, ऐसा नहीं कह सकते, गलत बात है। ये वो चीज़ है जो ये बिजनेस का गॉड है। आपको समझ नहीं है तो आप बोल सकते हो, लेकिन एक बार समझ हो जाए तो आपको समझ जाएगा कि यही सबसे सुप्रीम है, इसी को बहुत अच्छे से करना है। अगर ये किया तो मैं बिजनेस में नंबर वन हूँ, ठीक है। रिसेशन में भी पूरी दुनिया के सीए सारे प्रोफेशनल हाथ पे हाथ धर के बैठे, क्या कर सकते हैं, रिसेशन है। सैम वॉल्टर क्या कह रहा है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसके पास, कहता है आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस रिसेशन, बात खत्म, सो कैजुअल अबाउट दैट। इतना कैजुअल कैसे हो सकते हो भाई, टेंशन नहीं होती तुम्हें, रात को नींद आ जाती है। इंडिया में तो ऐसे पूछेंगे, नींद है, हाँ नींद आ रही है, कोई बात नहीं, क्या हुआ है, अरे यार क्या बात कर रहे हो, आग लग गई पूरे मोहल्ले में, तुम अपने घर में नहीं, वाटर प्रूफिंग मतलब वो अपना फायर प्रूफ है ना अपना घर, अपने को टेंशन ही नहीं है, कहीं जाती हो मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, अपने को क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पास स्ट्रेटजी है भाई, एवं तुम टेंशन ले रहे हो, मेरे पास कोई टेंशन नहीं, घर ही नहीं है, टेंशन का कोई जुगाड़ ही नहीं, ठीक है। ये इसके कॉम्पिटिटर हैं, ये सब उस समय लॉसेस में गए, सब लॉस में गए, इनके स्टोर बंद हुए, मैकडी का स्टोर बंद नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया में 69 मिलियन भुखड़ थे ना हर रोज खाने वाले, और ये 60 मिलियन नए भुखड़ थे ना, जो नए नए मतलब जिनको शौक चढ़ा जंक फूड खाने का, फिर लोग कहते जंक फूड मत खाओ, मोटिवेशनल वीडियोज बनाते, अरे तुम्हारे बनाने से क्या होता, जिसको खाना है वो खाएगा भाई, है ना। ये क्या डिफरेंट किए थे, ये बहुत कुछ डिफरेंट किए थे, ये अपने विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे थे, अब ये तो पूरा रिसर्च करके बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरी चीज, इन्होंने अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा रखा, इन्होंने अपने कॉस्ट को रिड्यूस किया, वैल्यू की प्रोपोजिशन को बढ़ाते गए, ऑब्वियसली ना कस्टमर को तो खाना है, यही कर रहे थे। स्ट्रेटजी का जो बेसिक था, जो पिलर नंबर 420 है, मजाक में कहता हूं, वो इस पे बेहतर काम कर रहे थे, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू के प्रिंसिपल पे काम कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग सेट कर रहे थे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे काम कर रहे थे, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा था, रिसेशन रहते हुए भी, इकोनॉमी का डाउनफॉल होते हुए भी, इनकी प्रॉफिट में कोई नुकसान नहीं हो रहा था, इनकी प्रॉफिट लगातार बढ़ती जा रही थी। यही तो समझाया आपको आज के सेशन में, हाई राइडर और ग्रैंड विटारा के सिचुएशन में, दोनों कंपनियां सेम, सब कुछ सेम, सेम ही माल, सेम ही इंजन, सेम ही बेचेंगे, लेकिन फिर भी टोयोटा बाजी मार जाएगी। क्या डिफरेंट किया, पिलर नंबर 420 पे डिफरेंटली काम किया, ठीक है। डिफरेंट मैनेजमेंट बेहतर था, स्ट्रक्चर हायरार्की बेहतर थी, आइडियाज एंड प्लान्स थे, उसका इंप्लीमेंटेशन बेहतर था, ठीक है, ये सब बेहतर था। जैसे मैंने उसके केस में बताया कि उसका TQM का प्रिंसिपल है, हाईराइटर का EM60 की सर्विस है, एक्सटेंडेड वारंटी है, ब्रांड है, ट्रस्ट है लोगों का उसके ऊपर, ये बेहतर है। हाँ, इंडिया के पॉपुलेशन को पहचान लिया, ये भी कह सकते हैं, ये पहले से तैयार था। स्ट्रेटजी आपको हमेशा मुश्किल वक्त को झेलने के लिए तैयार रखती है। अगर नोकिया, अब तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ पीयूष, रुको एक और क्वेश्चन से देता हूँ, इसको रहने दो, ये तो मैं ही हूँ, हुंडई को रहने दो। नोकिया का एग्जाम्पल लिया है क्या, नहीं, चलो नोकिया की बात करते हैं। नोकिया एक कंपनी है, राइट भाई, उस कंपनी में अचानक से क्या हुआ कि वो कंपनी जो नंबर वन थी फोन मार्केट के अंदर, वो अचानक से बर्बाद कैसे हो गई। उसका CEO होता था पॉल बामर, 2008-9-10 यही है ना उसकी बर्बादी की कहानी, पॉल बामर। पता है आपको कि जो एंड्रॉयड्स टेक्नोलॉजी है जिसको सैमसंग ने यूज करके स्मार्टफोन बनाए, ठीक है, पॉल बामर पहले माइक्रोसॉफ्ट में होता था, फिर वहां से आया वो नोकिया में, और नोकिया का CEO था, नोकिया दुनिया की नंबर वन स्मार्टफोन कंपनी थी, ठीक है, नंबर वन। क्या किया उसने, वो एंड्रॉयड्स लॉन्च किया, तो एंड्रॉयड्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फ़ोन स्मार्टफोन लॉन्च किए अपने सैमसंग ने, बट सैमसंग ने लॉन्च करने से पहले वो एंड्रॉयड्स ऑफर किया था, पता है किसको, सैमसंग की खासियत थी स्मार्ट स्क्रीन बनाना, टच स्क्रीन बनाना, एप्पल का भी सप्लायर था, नोकिया का भी सप्लायर था, उसने ऑफर किया भाई साहब को कि आप इसको यूज़ कर लो, ये बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम है। उनको नहीं समझ में आया, पॉल बामर ने कहा नहीं, विंडो बेस्ड जो हमारे स्मार्टफोन है दे आर द बेस्ट, मतलब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट था जिसको वो समझ नहीं पाया, उसको वो गेस करने में फेल हुआ, और वही फेलियर ही उसके बिजनेस के फेलियर का रीजन बनी। कुछ ना कुछ ऐसा होता है, और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या कहती है, इन्वायरमेंटल चेंजेज को अडॉप्ट करो, उसको अंडरस्टैंड करो। इसलिए मैंने शुरुआत में क्या बोला सेशन के, कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट सीखने के लिए आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के एप्लीकेशन की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि आप पूरे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में आप एनालिसिस ही इन्वायरमेंट का करोगे,
उसके रटे का नहीं, उसके डेफिनेशन का नहीं, उसके इंप्लीमेंटेशन का एनालिसिस करोगे, कैसे इंप्लीमेंट होगी, ये फैक्टर कैसे हमारे बिजनेस को, हमारी स्ट्रेटजी को चेंज कर सकता है, कैसे इसके साथ हम डील करेंगे, दैट इज समथिंग यू लर्न इन आरएपी, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इन ऑडिटिंग एंड स्ट्रेटजिक एनालिसिस इन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू डील विथ रिस्क, हाउ टू डील विथ स्ट्रेटजिक अनसर्टेनिटी, कहते हैं ना इसको, ये है पूरा सिलेबस। ये जो समझ पाता है वो विनर होता है, और जो नहीं समझ पाता है वो नोकिया होता है, ठीक है, उसके बाद कंपनी बेचनी पड़ती है। फ्यूचर रिटेल के साथ क्या हुआ, एक और एग्जांपल ले लो, फ्यूचर रिटेल के साथ क्या हुआ, क्यों फ्यूचर रिटेल को रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड को बेचना पड़ा, बहुत अच्छा चल रहा था ना बिग बाजार, लेकिन उस पर इतना कर्जा था, और रिसेशनरी टाइम मतलब कोविड और आ गया, कोविड ने बचे खुचे पे तेजाब डाल दिया, मतलब घी और तेल नहीं डाला उसने, सीधा तेजाब डाल के उसका कांडी खत्म कर दिया। उसके पास अब अपनी कंपनी को बेचने के अलावा, होस्टाइल मर्जर था वो, उसके अलावा उसके पास देर वॉज नो ऑप्शन, देर वॉज लैक ऑफ स्ट्रैटेजी, दे फेल्ड टू डू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, देर स्ट्रेटेजी फेल्ड, एक्चुअली फेल्ड, देर हैड नो स्ट्रैटेजी एट ऑल टू डील विद कोविड सिचुएशन, एंड दैट्स हाउ दे वेंट इनटू दिस होस्टाइल मर्जर सिचुएशन। सो दिस इज वॉट स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेलिवेंस इज। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब आते हैं साहब हम इसको कैसे कवर करने वाले हैं, आ जाओ जी। आपको सबसे पहले दी जाएगी एक बुक जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का टेक्स्ट बुक, टॉक बुक, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर के हिसाब से सर हमारे पास ये 8 चैप्टर्स हैं। आइए अब आते हैं जरा टेक्निकल बात करने के लिए, जरा अपने सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ध्यान से सुनना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस चैप्टर नंबर 1 and 3 विल स्टडी टुगेदर। देन देयर विल बी डायनामिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, वेरी वेरी हॉट चैप्टर, जिसका अकेला वेटेज होगा 8 to 10 मार्क्स, और कई बार ये 12 से 15 नंबर में भी आ सकता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जब ये 3 चैप्टर हम निपटा लेंगे तो समझ लेना 50% सिलेबस हमारा खत्म हो गया। सारा मटेरियल, सारा बेसवर्क, सारा कुछ इन्हीं 3 चैप्टर्स में है। 2 की चैप्टर नंबर 1 and 3 का कंबाइंड वेटेज 8 मार्क्स से ज्यादा नहीं है, बट फिर भी ये पूरे सिलेबस में 1 and 3 का ही एक्सटेंशन हम पढ़ते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी होगा विद डिफरेंट सेट ऑफ एग्जांपल्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस। देन देयर विल बी कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, ईच चैप्टर विल हैविंग 8 मार्क्स वेटेज मिनिमम एंड अप टू 10 मार्क्स बोथ ऑल द 3। ये तीनों एक ही जगह से निकले हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी विद इन ऑर्गेनाइजेशंस, वहीं से निकले हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना, यस। उसके बाद सर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी लीडरशिप एंड स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। बेसिकली ये 2 चैप्टर 7 and 8 अलग अलग नहीं है, बेसिकली ये 1 चैप्टर है, एक ही चैप्टर है। इंस्टीट्यूट ने इसको 2 पार्ट में बांट दिया, जब मैंने तैयार किया था ये चैप्टर तो एक ही चैप्टर तैयार किया था, बाद में देखा कि स्टडी मैट जब आया तो इंस्टीट्यूट ने उसको 2 पार्ट में बांट दिया था। मे भी उनको लगा कि पुराने सिलेबस में भी 7 चैप्टर थे, अब इस बार भी 7 होंगे, तो एक बड़ा चैप्टर बनता है चैप्टर नंबर 7 and 8, उसको 2 पार्ट में बांट दिया, और इस चैप्टर का वेटेज होता है 15 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली कंबाइंड टुगेदर, मतलब 8-8 नंबर, 15 से 16 नंबर के क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से आते हैं, जबकि लिटरली ये एक ही चैप्टर है। ठीक है चेतन, ठीक है चिराग, निशान, पीयूष, समझ में आ रही है बात, ऑल द सेंटर, सबको समझ में आ रही है ये बात। इस तरह से हमारा सिलेबस बढ़ा गया है। अब आप देख सकते हो वेटेज क्या है, वेटेज बहुत ही सिंपल है दोस्त, बहुत ही सिंपल वेटेज है सर, यहाँ पे 8 मार्क्स का, यहाँ पे 12 से 15, मतलब आप कह सकते हो ये एकदम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 चैप्टर कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इन तीनों से फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी एकदम स्ट्रेट चैप्टर है, इन दोनों से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। 7 and 8 डिटेल्स है, बट इम्प्लीमेंटेशन है, स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीयूष थैंक यू सो मच, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली बच्चे इस चैप्टर में जाके थक जाते हैं, इसको छोड़ते हैं और यही गड्ढा करता है, क्योंकि इससे आते ही 15-16 नंबर के लास्ट चैप्टर है ना, इंस्टीट्यूट बहुत तेज है, बहुत स्याड़ा है, उसको पता है लास्ट में जाके बच्चा थक जाएगा, यही चोट मारेंगे, इधर ही निपटाएंगे उसको, ठीक है। ये गलती हमने नहीं करनी, हमने 8 के 8 चैप्टर पे इक्वल वेटेज के साथ और डिफरेंट सिनेरियोज से, मतलब कहीं प्रैक्टिकल पढ़ना है, कहीं थ्योरेटिकल पढ़ना है,
कहीं कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, कहीं एप्लीकेशन पढ़ना है। हर चैप्टर के अपने अपने डायनामिक्स है, उस डायनामिक्स के हिसाब से हमें तैयारी करनी है, स्मार्ट तैयारी करनी है, सो दैट वी बिकम सक्सेसफुल। अगर तुम ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन पेपर को ही एनालाइज कर लो, तुम्हें अपना ना पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा करना क्या है। एक मिनट लगेगा, एनालाइज कर लो, आ जाओ। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो इस अटेम्प्ट में आया था, ये जनरली पता है कहां से होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, चैप्टर नंबर 4, कई बार चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 7 एंड 8 से होता है, जनरली यहां से होता है, चैप्टर 2 से भी हो सकता है। मतलब ये बात तो क्लियर हो गई, चैप्टर 2, 4 एंड 5 कंपल्सरली हमको एप्लीकेशन के साथ पढ़ना है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब तक देखा गया है चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 2 से ज्यादातर आए हैं, पहली बार 7 एंड 8 से भी आया है। तो ये प्रैक्टिकल, ये एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर्स है, क्वेश्चन को देख के ही हमें समझ में आ गया। दूसरा है ये गुड हेल्थ वाला, ये जो कम, ये बेसिकली एक रिपीट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल है बट रिपीट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 से आया, ठीक है। ये स्ट्रेटजिक टॉप लेवल स्ट्रेटजीज इनटू फंक्शनल प्लान्स एंड पॉलिसीज, ये एक अगेन स्ट्रेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो कोविड-19 के सिचुएशन में, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा। स्टेजेज वाइल यू फॉलो द डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द न्यू स्ट्रैटेजी, तो ये भी एक स्ट्रेट क्वेश्चन है। कोविड के अकरेंस की वजह से एलएमएन लिमिटेड ने क्या किया, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अच्छा उसके हिसाब से स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 7 एंड 8 का क्वेश्चन है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन है, अगेन फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, 7 एंड 8 कंबाइंड टुगेदर, ब्रेकअप देख लो कैसे इंस्टीट्यूट पूछता है, ठीक है। कोर कॉम्पिटेंसी, ये चैप्टर नंबर 2 से आया, ठीक है। स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेड बाय दिस, ये मैच्योरिटी स्टेज पे, मतलब ये चैप्टर नंबर 4 से आया। अगेन यहां पे आपसे विद रीजन कुछ पूछा जा रहा है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं था, एप्लीकेशन बेस्ड था। डाइवर्सिफिकेशन, अगेन कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन, चैप्टर नंबर 4 से आया, ये चैप्टर नंबर 5 से आया। इस तरह से कुछ मिक्स है आपका सिलेबस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ सेलेक्टेड चैप्टर से आते हैं और थ्योरेटिकल कुछ सेलेक्टेड चैप्टर से आते हैं, यू हैव टू बी रेडी। कभी कभी कोई कोई चैप्टर को इंस्टीट्यूट मिस भी करता है, कम पूछता है, लेकिन अगले अटेम्प्ट में फिर उसका वेटेज कभी ना कभी बढ़ा देता है, ऐसा ऑफ एंड ऑन है। कोई सेट पैटर्न नहीं है कि इस चैप्टर से इतने नंबर के ही आएंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट चैप्टर से नहीं आपके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है, यू हैव टू बी रेडी अकॉर्डिंग टू दैट। ये ब्रीफ ओवरव्यू था, ठीक है, एक समझने के लिए बात अच्छी थी। बाकी फॉर अश्योरेंस आई कैन टेल यू कि इस पेपर में मार्क्स अच्छे आते हैं, बच्चे 40, 42, 43, 44, 45, 47 मार्क्स तक आउट ऑफ 50 लेके आते हैं इन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। कॉपियां हैं मेरे पास, मैं दिखा सकता हूँ। इस अटेम्प्ट में भी एक बच्चे को 48 मार्क्स आए, एंड यू वोंट बिलीव कि उसको ये मार्क्स सिर्फ सेल्फ स्टडी से और हमारे मैराथन देख के आए थे। अब उसको आए थे, सबको नहीं आते बट वो एक्सेप्शन था, ठीक है, उसको आए, ऐसा भी केस आता है हमारे सामने, ठीक है। चलो जी, उसके बाद आपको मैं प्रोवाइड करूंगा एक मेंटोर की बुक, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपको, इसके साथ हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। क्यों इंपॉर्टेंट होगा बताता हूं, क्योंकि मेंटोर में हमने क्या किया, बहुत स्मार्टली आपके लिए चैप्टर वाइज प्लान तैयार किया है कि आपको क्वेश्चन डिस्कशन करना है, एमसीक्यू करने है, रीड करना है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर होगा बिल्कुल। इतनी चीज अगर करते हो, देन अगर यू वांट टू गो इनटू एग्जेम्पशन, 1 रिपीटेशन, 2, 3, 4 लेवल्स तैयार किए, आप इस प्लानर को फॉलो करके अपनी चीजें टिक करके खुद को अश्योरेंस दे सकते हो मेरा लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसके हिसाब से टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट वाइज किया है। क्योंकि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लैंडस्केप उठा लेगा, बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी उठा लेगा, ऐसे उठाएगा, टॉपिक्स उठाता है वो, और ऐसे टॉपिक्स उठाता है वो, ये चैप्टर नंबर्स पे इतना फोकस नहीं करता जितना कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है। तो यू हैव टू प्रिपेयर इंडिविजुअल स्ट्रेटजी फॉर इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट ऑफ एवरी चैप्टर, नॉट दैट यू हैव टू प्रिपेयर ए स्ट्रेटजी फॉर अ चैप्टर। तो माइक्रो लेवल प्लानिंग के साथ चलो, यू विल बी हैप्पी, ठीक है, यस। उसके बाद इस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक के अंदर मैंने क्या किया, ये तो ठीक है, ये तो फॉर्मेलिटीज हैं कि कितने मार्क्स का आता है, कैसा आता है, ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है,
मैंने एक कवाल की बात करी है जो इससे पहले किसी बुक ने इंडिया में करी ही नहीं सीए एजुकेशन के फील्ड में, वो ये किया है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हर एक क्वेश्चन का एक तो एग्जाम इंपॉर्टेंस बताया है, उसी क्वेश्चन के कितने अल्टरनेटिव क्वेश्चन बना सकता है आईसीआई वो दिया है। अब आप क्या करते हो, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पढ़ते हो। मैंने क्या किया, उसको कंपाइल करके एक जगह कर दिया, ये क्वेश्चन इस टॉपिक से पहले इससे पूछा गया, फिर ऐसे पूछा गया, फिर ऐसे पूछा गया, फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे मैं अभी तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो मैं क्या कर रहा था, मैं कोई चीज़ समझा रहा था और बता रहा था यहाँ क्वेश्चन ऐसे प्लेस कर सकता है आईसीआई, इजंट इट, बोलो यस सर, यही समझाने की कोशिश कर रहा था ना कि इंस्टीट्यूट इस टाइप के चीज़ों को इस तरह से प्लेस कर सकता है। ये टॉपिक लिख देगा, बोलेगा एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल, वो चीज़ का ध्यान में रख के मैंने मेंटोर क्वेश्चन बैंक बनाया जो आप सब तक पहुँच गया होगा या पहुँच रहा होगा। वहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप आंसर राइटिंग सीखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है इन्वायरमेंटल चेंजेज को अंडरस्टैंड करने में, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट डिस्कस इट्स बेनिफिट्स, तो कैसे लिखना है, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू एंड, हाउ टू कंक्लूड। तो इस क्वेश्चन बैंक के अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है और इस क्लास के साथ इस पूरे मेंटोर क्वेश्चन बैंक को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये ब्यूटी है इस पूरे स्टडी की, इस पूरे क्लास की। तो हम एकदम साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक के साथ पढ़ने वाले, हम कुछ भी ऐसे फालतू बकवास नहीं करने वाले, टाइम कम है, काम ज़्यादा, एग्जाम सिर पे है, तो अभी बिल्कुल डांस गाने मजा मस्ती का टाइम नहीं है। विद फन एंड विद लॉट ऑफ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री वी आर गोइंग टू कंक्लूड आवर सिलेबस, दैट्स वॉट आई एम प्लानिंग फॉर टूडे फॉर यू गाइज इन दिस बैच। सो दैट्स सिंपल, हैव ट्रस्ट एंड हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। कॉन्सेप्ट जितने अच्छे होंगे और एप्लीकेशन जितना अच्छा आएगा, आप उतना अच्छा इंप्लीमेंट करोगे एग्जाम हॉल में जाके। फोकस पूरा का पूरा है एग्जाम हॉल की 100% परफॉर्मेंस के ऊपर, और कोई और फोकस नहीं है तत्काल। यस, जब एग्जाम हॉल के बारे में आपको सिखा रहा हूँगा इंडस्ट्री, आप ऑटोमेटिकली मेरे साथ सीखोगे, क्योंकि मेरा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है तो मेरी जबान ही उस हिसाब से चलती है जो इंडस्ट्री को पसंद है, और आजकल आईसीआई के क्वेश्चन सेटर को इंडस्ट्री पसंद है। तो मिले सुर मेरा तुम्हारा, बात खत्म। और अपने कॉन्सेप्ट पे शक नहीं करने का, जब कोई चीज़ सीख लेते हो तो बी कॉन्फिडेंट, और एक बार दिल से बोलो चीते की चाल, चीते की चाल बाज की नज़र, चीते की चाल बाज की नज़र, और अपने कॉन्सेप्ट पे शक नहीं करते, और जब नहीं करते तो नहीं करते। जब ये कॉन्फिडेंस आ जाए, समझो कोई भी कॉन्सेप्ट पे कोई भी क्वेश्चन बनाओ सर मैं सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ, ऑल द बेस्ट, आगे बात करते। इस तरह से इसमें हमने डिस्कस किया है हर क्वेश्चन का कंक्लूजन कैसे लिखना है, शुरुआत कैसे करनी है, एवरीथिंग हैज बीन प्लेस्ड, यू कैन सी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, एग्जांपल्स कैसे लगाने हैं, कैसे एग्जांपल्स लिखे जाते हैं एग्जाम में। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे एग्जाम्पल पता होते हैं, उनको यही नहीं पता होता कब इसको किस तरह से यूज करना है, सो दैट कि एग्जामिनर को मैं इंप्रेस कर दूं और इंप्रेस करके मार्क्स ले लूं। दिस आर्ट वी आर गोइंग टू लर्न, ठीक है। तो दो तीन फोल्ड अपन काम करने वाले, अपना जो वर्क पैटर्न होगा, जो हमारा पूरा सिलेबस को रन करने का स्टाइल होगा, उसको ना हम ऐसे करेंगे, टुकड़ों में करेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स, और इसके साथ हम स्टडी मैट को कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हुए वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स, लड्डू समोसे पेड़े चचा दादू अंकल इधर उधर भौकाल गर्लफ्रेंड, इसके एग्जाम्पल नहीं, बॉयफ्रेंड इसके एग्जाम्पल नहीं, इंडस्ट्री एग्जाम्पल्स। ये डिस्कस करेंगे, इसके साथ हम इस इंडस्ट्री एग्जाम्पल को डिस्कस करते हुए इस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को सीखेंगे। एप्लीकेशन विद एग्जाम्पल एंड कॉन्सेप्ट किया तो केस स्टडी अपना अपने आप तैयार हो जाएगा। जैसे आज तुमने देखा हाई राइडर का, और हमने ग्रैंड विटारा का एक केस स्टडी जो प्रैक्टिकल, जिस अभी तो भाई कोई बुक में नहीं लिखा होगा ना, बात समझ रहे हो मेरी बात, अभी हाई राइडर का और ग्रैंड विटारा की केस स्टडी किसी बुक में तो नहीं आई होगी, पक्का नहीं आई होगी, कहाँ आई होगी, प्रोडक्ट ही नहीं आया तो अभी केस स्टडी कहाँ से आएगा। तो ऐसे ओरिजिनल केसेस एंड सिनेरियोस इंडस्ट्री से सीधा उठाऊंगा, एनालिसिस करूंगा, यही मेरी स्ट्रेंथ है, सीधा फैक्ट्स एंड फिगर आपके पास आपके घर पे लेके आऊंगा, वो जो अभी कोई किसी और ने किया नहीं है, ये हमारा एडवांटेज होगा, और हम सीधा डिस्कस करेंगे हेड ऑन। तो हमें पता है क्या, हिस्टोरिक डेटा को डिस्कस करके बहुत मिलता नहीं है, बाल की खाल निकालने वाली बात होती है, ठीक है। हिस्ट्री से हम लर्न करते हैं, फ्यूचर के लिए इंप्लीमेंट करते हैं।
स्ट्रैटेजी बात करती है हिस्टोरिक डेटा से फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स को समझने वाली बात, तो वो आदत आपको डालनी पड़ेगी। इंडस्ट्री भविष्य के बारे में सोचती है और आज में जीती है, जो हो चुका वो तो हो चुका, उससे सिर्फ लर्निंग है। इंस्टीट्यूट भी ऐसे ही सोचता है, ये मेरा नज़रिया है, दूसरों के बारे में मुझे पता नहीं। आई होप मेरा और तुम्हारा नज़रिया मैच करेगा एंड कलेक्टिवली वी आर गोइंग टू विन। ठीक है, विश ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ अस, है ना, ऑल ऑफ अस। एप्लीकेशन सीखेंगे, फोर्थ लेयर होगा हम मेंटोर पे जाएंगे, वहां पे प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां पे हमारा आरटीपी कवर होगा, एमटीपी कवर होगा, पास्ट ईयर कवर होगा और न्यू एमसीक्यूज केसेस एंड क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं वो कवर होंगे। तो क्वेश्चन पार्ट डिस्क्रिप्टिव हो, प्रैक्टिकल हो, जो मर्जी हो, केस बेस्ड हो, जो कुछ हो, हम मेंटोर के साथ और कुछ मेरे क्वेश्चंस के साथ कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट। इसके बाद सर हम आएंगे पांचवें पिलर के ऊपर जिसका नाम होगा टेस्ट सीरीज, जो ऑलरेडी अभी चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। हम टेस्ट पे जाएंगे, फिफ्थ पिलर विल बी टेस्ट। इस तरह से सर हम अगर कोर्स को करते हैं और बाद में फिर रिविजन भी कराऊंगा, वो सिक्स पिलर होगा, वो बाद में होगा क्रैश रिवीजन। इन द मीन टाइम डेली बेसिस पे वी आर गोइंग टू डू प्री कैप, पोस्ट कैप, जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी कंक्लूड किया उसको करेंगे। एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। सो सिलेबस करते करते दो तीन राउंड ऑफ रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मेंटोर के क्वेश्चन, केस स्टडीज, एमसीक्यूज, काफी कुछ हम कर चुके होंगे और टेस्ट पैरेलली चलेंगे। टेस्ट के लिए मैं अलग से आपको नहीं बोलूंगा कि अब बेटा कर लेना, तो अक्टूबर में टेस्ट करना, तो सितंबर में टेस्ट करना। अक्टूबर में सिर्फ मॉडल टेस्ट पेपर होंगे, तीन अलग से एमटीपीस। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस विद दीज बुक्स। वी आर गोइंग टू कवर 100% सिलेबस फॉर 100% एग्जामिनेशन एंड इंडस्ट्री, एंड दिस इज द प्लान। ठीक है, एनी क्वेश्चन दैट यू वॉन्ट टू आस्क, आज बस इतना ही, आज मैंने बस आपको इतना पढ़ाया। कल से हम बुक खोलेंगे, चैप्टर वन उठाएंगे, चैप्टर वन के कॉन्सेप्ट उठाएंगे और 3 घंटे की क्लास चलाएंगे 8 to 11 AM। आज मैं आपसे थोड़ी बातें करना चाहता हूं, आपके आपके दिमाग में क्या चल रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को लेके, आपके कोई सवाल, आपका कोई, आपकी कोई डिमांड, आपकी कोई रिजर्वेशंस, आप वो बताओ, फिर और बातें करता हूं। ठीक है, टेल मी। फर्स्ट क्लास है, ज्यादा लोड नहीं लेने का, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो फिर हम स्पीड से जाएंगे। बहुत कुछ पढ़ने वाले, बहुत सारे अभी केस स्टडी एग्जाम्पल मेरे पिटारे में है, बहुत कुछ है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आस्क मी इफ एनी क्वेश्चन यू वॉन्ट टू आस्क प्लीज। कॉपी डिस्कस करूंगा, कॉपी, यस, कौन सी कॉपी, वो 47 मार्क्स वाली, देखता हूँ अभी निकाल ही लेता हूँ अगर है मेरे पास तो। देखो इस बच्चे को कितने मार्क्स आए, 35 में से 32 प्लस 15 47 पूरे एमसीक्यू में। हाँ, आप दिप्तेश वो वाला टेस्ट बाद में कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है, बाद में कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर ठीक ठीक से इसको देखोगे, इस बच्चे के कॉपी को, मैंने इसका पहले आपको मार्किंग पैटर्न दिखाता हूँ। पहली बात जो दिमाग में हमारे चलती है ना, देखो ये कॉपी ना मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर की थी, हमारे दिमाग में क्या चलता है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के अंदर इंस्टीट्यूट नंबर ही नहीं देता, ये आईएसएसएम में नंबर काट के हवा कर देता है। अरे भाई, एक ही पेपर से बच्चा पास है, गेटिंग द पॉइंट। ये सेकेंड ग्रुप देने वाला बच्चा था, ओनली सेकेंड ग्रुप इसने दिया था। ठीक है, इसे टोटल 87 मार्क्स आए थे, EIS में इसको 40 आए थे और इसमें 47 आए थे। ये हाईएस्ट था, ऑल इंडिया हाईएस्ट था अब तक का, और इस बार 88 आ गए तो इसके ऊपर। अब मैंने 90s में EISSM में मार्क्स अब तक देखे नहीं है, EISSM न्यू कोर्स के अंदर, अगर किसी को आया हो तो मेरे को जानकारी नहीं है, और अगर नहीं है तो हमारा ही बच्चा है जो ऑल इंडिया हाईएस्ट है अभी तक का, ये दोनों 87 and 88, एंड आई क्लेम इट। ठीक है, ये तो हम क्लेम कर ही रहे, उसकी भी कॉपी आ जाएगी, उसको भी मैं क्लेम करूंगा। ठीक है, ओके, अभी कैसा है, क्वेश्चन नंबर 6 इसने अटेम्प्ट किया। ठीक है, आपको भी पता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितने इंस्टीट्यूट ने मार्क्स दिए, 4.5 out of 5, कितने मार्क्स काटे, 0.5। एग्जामिनर का दिल किया होगा, कर दिया, काट लेते, कोई बात नहीं, थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7, ए एंड बी इसने ट्राई किया, ए में 4 out of 5 दिया, इसमें 5 out of 5 दिया, 100% दिए कि नहीं, 90% दिए कि नहीं, कहाँ काट रहे नंबर यार, इंस्टीट्यूट नहीं काटती भाई। अरे वो कोई कोई इवेल्युएटर होता है सड़ा हुआ,
मतलब ऐसा था कि वो बीबी घर से सुबह धक्के मार के निकाल दी, चाय ना मिला हो तुम पे निकाल लेगा गुस्सा, वो हो सकता है कभी कभी, ठीक है, सुबह सुबह पैक लगा के बैठा हो तुम पे, पता नहीं ना किस मूड में कहाँ से कैसे आया है। और तीसरी बात, उसको कभी इतने नंबर आए नहीं थे इस पेपर में, तुम्हें कैसे दे देगा भाई। और उसकी गर्लफ्रेंड को अगर नहीं आए होंगे तो पक्का नहीं देगा, और गर्ल और कोई लेडी होगी उसके बॉयफ्रेंड को नहीं आया वो पक्का नहीं देगी तुम्हें नंबर, वो उसकी खुन्नस तुम्हारे ऊपर निकालेगी, यार उसको नहीं आया था, राहुल को नहीं आया था, इसको कैसे दे दूंगी, दिप्तेश को, बड़ा ना आया नंबर मांगने वाला है। यस ओके, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर, लेकिन नॉर्मल केस में अगर आप इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन की डिमांड को मीट करते हो, मैं सिखाऊंगा आपको, यार बच्चे लिख रहे हो ना, आ रहे नंबर आएंगे, जब मैं कॉपियां इवेलुएट करता हूँ, बच्चे भेजते हैं अपनी आरटीआई वाली कॉपी या वेरिफिकेशन वाली, देखता हूँ आसमान जमीन पे होती है, होता ही नहीं कुछ उसके अंदर, तो नंबर कहाँ से मिलेंगे, बच्चा ऐसे ही कुछ से कुछ लिख के आ जाते। आप अगर सही टेक्निक से, सही माइंडसेट से, डेडिकेटेड होकर के प्रैक्टिस करोगे ना, तो मतलब ही नहीं बनता यार कि आपको नंबर ना दें, इंस्टीट्यूट आपको नंबर देने के लिए बैठा है, काटने के लिए नहीं बैठा। हाँ, कुछ केसेस कभी कभी सुनने को आते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, आई डोंट डिनाई, इंस्टीट्यूट से गलती होती है और मैं मानता हूँ उस बात को, वो करते हैं वो लोग, कभी कभी ब्लंडर भी करते हो, माफ़ी के लायक नहीं होता है कभी कभी, लेकिन नॉर्मल नहीं होता। और उसी के लिए हम 120% तैयारी करते हैं, 20% भी ऑलवेज कीप फॉर कंटिंजेंसी, कि भाई उसका दिमाग खराब होगा तो 20% में होगा, 100% की गारंटी इंश्योर करो। सीए के बच्चे हो ना आप, प्रोफेशनल कोर्स से कंपीट कर रहे हो, 4.5 out of 5, 4 out of 5, 7 out of 7, कमाल हो गया, एकदम बड़े से क्वेश्चन में, एकदम डिस्क्रिप्टिव हाईएस्ट क्वेश्चन के अंदर 7/7, तो बहुत बड़ी बात होती है, एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त होगी, 2.5 out of 3, दिस इज हाउ ही हैज गॉट मार्क्स, एंड लेट्स सी व्हाट ही हैज रिटन ओवरऑल। अब इसकी कॉपी देखते हैं, देखो भाई इससे क्वेश्चन पूछा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में, उसके लिमिटेशंस के बारे में, अगर आप मेरे मेंटोर को उठा के देखोगे ऐसा ही है। क्या लिखा उस बच्चे ने, सीधा लिमिटेशन नहीं शुरू कर दिया, ज्यादातर 99% बच्चे क्या करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ द फॉलोइंग आर एज फॉलोज, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज, बोलो सच है कि नहीं, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देखा और पिल पड़े वो चारों पॉइंट के ऊपर, दिस इज अ मिस्टेक, यू शुड नॉट डू। राइटिंग थोड़ी क्लियर है, पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को डिफाइन तो करो यार, बताओ तो कि लिमिटेशन कहां से आ गई, एंड देन स्टार्ट। देखो इसी के नंबर मिले, उसने लिखा ना कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक एनवायरमेंट, उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया ना, अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो कितना सिस्टमैटिक एक्सप्लेनेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉड्यूल, एज पर ICI मॉड्यूल्स लाइंस उसने लिखा है, मैं ये नहीं कह रहा रट के हूबहू लिख दिया है, लेकिन उसके हिसाब से लिखा है, उसी की दूसरे अपनी लैंग्वेज में भी लिखा तो उसी बात को लिखा, ये ICI कहता है, पॉइंटर ICI के होंगे। देखो कॉम्पिटिशन, पूरे नंबर मिले ना इसमें, देखो पूरे 4 मिले ना आउट ऑफ 5 मिले, थोड़े से नंबर इसके एक पता है क्यों कट गए, क्योंकि इसने ना थोड़े एग्जांपल्स वगैरह से अपने एक्सप्लेनेशन को सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो वो भी मिल जाते। और एक काम और करना था कि इस सेंटेंसेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे उसको हाईलाइट करना था, तो वो एक भी मिल जाता, ये थोड़ी सी कमी रही, वो एक चला गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिमिटेशंस में जस्टिफाई करने के लिए आपको एग्जांपल देना चाहिए। अब ये 8 में सिखाऊंगा आपको एग्जाम, अब ये मैंने सीखा ना इसकी, ये ओरिजिनल है ना, बाकी तो बातें हवा हवाई है, ये तो सीधे नंबर दिख रहे हैं ना कैसे दिए गए। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप डिफाइन किया, देखो ये स्टेप नंबर 1 का स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है ना, 1 मार्क्स दिए, ध्यान से देखो आंखें खोल खोल के देखो, सारे बच्चे आज की क्लास में यही तो सीखने आए थे। उसके बाद एक एक चीज, इसके अंदर क्वेश्चन लगते वो लगाए इसने, एग्जामिनर की नजर गई यहाँ पे, बच्चे ने सारे क्वेश्चन लिख के जस्टिफाई किया। ज्यादातर बच्चे क्या करते, इस पॉइंट का ये वाला एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, ये क्वेश्चन मॉड्यूल में मेंशनड है, ये लिखते ही नहीं, उनको लगता है क्वेश्चन क्यों पूछना है यहाँ पे, अरे भाई उसका पार्ट है, यही तो जस्टिफाई कर रहा है ऊपर वाली बात को, यू विल हैव टू आस्क। इसने लिखे हैं, देखना इसकी मार्किंग जब लास्ट में होगी तगड़ी होगी, 5 out of 5, क्योंकि इसने पूरे डिमांड मीट कर दिए, 4+5, स्टेप बाय स्टेप इसको पूरे नंबर मिल गए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप नंबर है, 4 पॉइंटर 5 पॉइंटर, उसके 4 नंबर, पांचों पॉइंट उसने एग्जैक्ट देखा, सब ठीक है, 4 मार्क्स मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है, कोई बेईमानी नहीं है तुम्हारे साथ। किसी भी क्वेश्चन को देख लो, यहां भी इंट्रो दिया, फिर बातों को लिखा और प्रॉपर स्टेप्स में लिखा, देखो इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट भी किया, किया ना, देखो हाईलाइट किया ना जो इंपॉर्टेंट बातें थी, ऊपर भी देखो। अब यही बात मैं क्लास में बोलता हूं, बच्चे कहते सर इतना सब कुछ करने का वक्त मिलेगा क्या,
अरे जिसे 47 लाना है तो इसको मिलेगा ना, गेटिंग द पॉइंट चिराग एंड एवरीवन? जिसको 47 लाना है, जिसको हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने, वो एफर्ट मारेगा ना। किया इसने 94% मार्क्स आए ना इसको, वो एफर्ट मारेगा, उसको मिलेगा भाई। इंस्टीट्यूट की डिमांड है, उसको मीट कीजिए। आप बहाने मत बनाइए, आप इधर उधर की बातें मत कीजिए प्लीज। इंस्टीट्यूट चाहता है उसके हिसाब से परफॉर्म करो। स्ट्रैटजी है, बाकी बातें हैं जो भी है, मतलब आप हर क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन देखो एक क्वेश्चन आया 10A, कितना क्लैरिटी के साथ लिखा है क्वेश्चन नंबर 10A, बेंच मार्किंग, वॉट इज बेंच मार्क, देन वॉट इज बेंच मार्किंग। देखो एक एक चीज को स्टेप बाय। अरे एग्जामिनर खुश हो गया होगा, बच्चे ने बेंच मार्किंग बताने के लिए बेंच मार्क भी बताया, फिर बेंच मार्किंग बताया। ये होती है अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाई करिए। इसको इसके टीचर ने अंडरस्टैंडिंग दी थी, ओम त्रिवेदी नहीं दी होगी, मेरा स्टूडेंट है तो मैंने उसको समझाया, बेटा बेंच मार्किंग के बारे में जानने से पहले आप बेंच मार्क तो जानो। तो जाके उसने एग्जाम में भी लिखा, इसको बेंच मार्क बोलते हैं, इसके फाइंड आउट करने के प्रोसेस को बेंच मार्किंग कहते हैं। एग्जामिनर अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ना भी हो इवेल्युएटर, उसको भी समझ में आ जाएगा, समझा दिया इसने कॉपी से। यही आईना है ना, इसी को देख रहा है, आपकी शक्ल तो दिख नहीं रही यहाँ पे, आप बड़े स्मार्ट हो, गोरे चिट्टे एकदम चकाचक है ना, बंदा बहुत बढ़िया यार, नंबर दे देते हैं इसको, ऐसा नहीं है। और बेंच मार्किंग के एक नंबर थे, पूरे मिले। फिर स्टेप्स लिखने थे, सारे स्टेप्स लिखे, विद एक्सप्लेनेशन लिखे, अंडरलाइन हाईलाइट करके लिखे, प्रॉपर प्रोपोर्शन में लिखा, स्टेप बाय स्टेप, इसको 7 out of 7 मार्क्स मिले। दिस इज द ब्यूटी। वो काट ही नहीं सकता था, ऑप्शन ही नहीं था, काटू तो काटू का छोड़ा ही नहीं ऑप्शन। मतलब मैं तुम्हें ईमानदारी से कहता हूं कि मैं शायद ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां कर सकता था। इस बच्चे को तो कमाल, इसने तो सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए हैं क्लास के, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपके लिए भी होंगे, आप भी फॉलो करोगे, आपको भी मार्क्स आएंगे। इस पेपर में पैनिक नहीं करने का, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को इज्जत देने का, ये तुमको इज्जत देगा, मार्क्स देगा। लड्डू था, लड्डू है, लड्डू रहेगा जैसा पेपर नहीं है, ये बड़ा स्पेसिफिक पेपर है, टू द पॉइंट। इसमें इंसान का दिमाग यूज होता है, इधर कोई रोबोट या मशीन या टूल या कंप्यूटर सब कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ मदद कर सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल अगर सिक्स सिग्मा कैलकुलेट करना हो तो कंप्यूटर के एक सॉफ्टवेयर कर सकता है, डेटा एनालिटिक्स करनी हो डेटा डालो रिजल्ट वो दे सकता है, लेकिन उसकी एनालिसिस करनी हो, उस पर डिसीजन लेना हो, उस पर स्ट्रेटजी बनानी हो, वो तो इंसान ही करेगा, उसका दिमाग ही करेगा, वो तो रतन टाटा करेगा, नटराजन चंद्रशेखरन करेगा, मुकेश अंबानी करेगा, बिल गेट्स करेगा, उसके लेवल पे ये पेपर है, वो सोचना है। आई थिंक योर माइंड इज क्लियर टुडे, एम आई राइट? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इस पेपर के बारे में, क्या करने वाला है इस पेपर के अंदर और किस नज़र से इस पेपर को पढ़ना है? तो कल की क्लास में आने से पहले आई रिक्वेस्ट यू एवरीबडी, आप वो बिजनेस एनवायरमेंट वाले चैप्टर्स जो मैंने दो आपको वीडियोस बताए, जितना अच्छे से देख सकते हो देख के आना, आज की क्लास के लिए यही मेरा मैसेज है, जितना कवर कर सकते हो करके आना, सिर्फ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पढ़ के आना, बाकी छोड़ देना आगे पीछे, ठीक है? बस, ऑल द बेस्ट। और EIS जैसा पढ़ाया था आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सारे फीडबैक आए हैं कि सर एकदम प्रैक्टिकली पढ़ाया, मार्क बाय वर्ड्स में उससे भी बेहतर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पढ़ाने वाला हूं। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं सर को बोलूं कि कौन सा अच्छा पढ़ाया, मैं कैसे जस्टिफाई करूं, ठीक है? क्योंकि मैं दोनों का प्रैक्टिशनर हूं, इंडस्ट्री में वर्क करता हूं इसी के ऊपर, सो मेरे लिए दोनों पेपर मेरे दिल के बहुत करीब है। आपको दोनों इक्वल वेटेज के साथ, इक्वल पैरेलल्स के साथ पढ़ाऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। सो ऐसा कुछ नहीं है कि EIS अपना फील्ड है, SM अपना फील्ड है, अपना फील्ड दोनों है, और इंडस्ट्री में दोनों एक साथ चलती हैं, अलग अलग नहीं चलती। ये इंडस्ट्री में मार्केट में बताया जाता है EIS बेटा अलग है, SM अलग है, ये गलत बात है। EIS SM इंडस्ट्री में, EIS इज अ टूल ऑफ स्ट्रैटेजी, सिस्टम इज अ टूल ऑफ स्ट्रैटेजी, बात समझ में आ गई? IT के टूल्स यूज करते हैं स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, स्ट्रेटजी को सपोर्ट करती है EIS, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे पेन के साथ उसकी फिलर होती है ना, रिफिल होती है ना, जैसे आपके पेंसिल के साथ इरेजर और शार्पनर होती है ना, ठीक ऐसे ही है रिश्ता इनका, कॉम्प्लीमेंट्री है, ये अलग अलग नहीं चल सकते। इन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए साथ साथ चलाना पड़ता है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने भी पेपर साथ साथ बनाया है। तो ये फिलॉसफी भी गलत है कि EIS अलग है, SM अलग है, नहीं, रिश्ता है दोनों का। आई होप यू गॉट इट, सी यू इन टुमारोज क्लास। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो, अपना अपने दिल का, अपने लोगों का, अपने
सिलेबस का बहुत सारा ध्यान रखो, और मेरा नंबर सबके पास है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस टू मी, जस्ट आस्क क्वेश्चन व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, व्हेन एवर, जस्ट व्हाट्सएप करो, वॉइस मैसेज भेजो, यू विल गेट अ रिप्लाई, ऑल द बेस्ट।